Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Welcome to the morning show at Discover Pakistan. हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सबके साथ मैं हूं अंबर कुरैशी और मैं हूं सलमान खान. उम्मीद है, दुआ है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सुबह का आगाज कर चुके होंगे. और सुबह जो है वो आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है. इसको अच्छा बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप उठते साथ ही जो है या तो कहवा लें, कॉफ़ी पिएं या गर्मा गर्म चाय का कप लें. और अगर आपके सामने हमारा प्रोग्राम चल रहा हो तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा. यस, डेफिनेटली देखिए, क्योंकि हम आपके अंदर जो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो डालने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह वो डलती भी है. हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि लोग जो है वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आना चाह रहे हैं. और यही तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी बन जाए कि दुनिया इसकी मिसाल है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां आपने जिक्र किया चाय कॉफी और इन तमाम तरह एनर्जीज का, नाश्ता करना मत भूलिएगा, क्योंकि नाश्ता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मॉर्निंग. और अगर आप अच्छा नाश्ता करते हैं तो फिर आपका पूरा दिन बड़ा एनर्जेटिक गुजरता है. तो ये एक अच्छी टिप थी जो मैंने दे दी. लेकिन अच्छी बात अभी आपको बतानी है ताकि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे. तो आज की अच्छी बात जो है वो मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा. हजरत अली का एक कॉल है, उनसे किसी ने पूछा कि एक इंसान की वैल्यू का किस तरह अंदाज़ा किया जा सकता है. तो आपने फरमाया कि जो इंसान जितना एहसास ज़िम्मेदारी रखता है वो उतना वैल्यूएबल होता है. क्या बात? इसलिए एहसास होना एक बड़ी अहम चीज़ है. हमें अपने ज़ात का भी एहसास होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में. फिर अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमें सबका एहसास करना चाहिए. ये वो चीज़ है जो आपको कीमती बात. बहुत अच्छी बात सलमान, आपने सुबह सुबह इतनी अच्छी बातें करके से लेते हैं. वैसे समटाइम मुझे लगता है रट्टे लगा के आते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सही मजाक कर रही हूं सलमान. अंदर से निकल रही है. एक्चुअली दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एक तो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप लेना हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लोगों का ख्याल करना, एहसास करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप ये कर सकते हैं, करते हैं, तो फिर आप एक बेहतरीन इंसान हैं. और हम आपको ये इनकरेज करेंगे कि आप ऐसा जरूर करें. साथ ही साथ ये भी इनकरेज करेंगे कि घूमें फिरें, एंजॉय करें, क्योंकि यही जिंदगी का मकसद है. और इसी तरीके से जिंदगी को आप भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सकते. जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, आप एक बेहतरीन इंसान हो, तो अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर से खुद निकल. तारीफ की तरफ जा रहे हैं, सो हम आगे बढ़ जाते हैं और आपको लिए चलते हैं. हमारा सबसे बेहतरीन सेगमेंट है जो कि हम आपको बताते हैं ताकि आप दुनिया घूमें फिरें और एंजॉय करें, स्पेशली पाकिस्तान घूमें और अपनी फैमिली के साथ घूमें. सेगमेंट है हमारा फैमिली वोकेशन. तो सेगमेंट है हमारा फैमिली वेकेशन और इस सेगमेंट में हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाते हैं, आपको हाँ. उसके बारे में बताते हैं. और हमारा मकसद ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, जाके वहाँ पे एक अच्छा सा पिकनिक गुजार के आएं, स्पेंड करें अच्छा टाइम. और आज जिस जगह की हम सैर करवाने जा रहे हैं वो है हिरन मीनार. yes. जो कि शेखुपुरा में वाके है और लाहौर से तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव में आप इस जगह पे जाके 40 किलोमीटर आप जाकर यहाँ पर ना सिर्फ इसकी खूबसूरती से महसूस हो सकते हैं बल्कि हिस्ट्री भी जान सकते हैं. हाँ. और साथ ही साथ मैंने कहा ना, इट्स अ गुड पिकनिक स्पॉट, आप फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड. बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान. और मुगलिया जो हमारे एक फन तामीर था उसका ये शाहकार है. मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में तामीर करवाया गया, 1607 में इसकी बुनियाद रखी गई. तमाम इसके हवाले से और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ विजुअल्स देखते हैं. Thank you.
वाओ, सो दैट इज़ द ब्यूटीफुल हिरन मीनार। और हिरन मीनार के हवाले से आपको बताऊं कि एक तो जानवरों से मोहब्बत और लगाव आपको यहाँ पे नज़र आता है कि जो मुगल आर्किटेक्चर था, मुगल बादशाह थे बेसिकली, वो जानवरों से बहुत लगाव रखते थे। और जी हाँ, जहांगीर का हिरन था हंस राज, जिसकी जब डेथ हो गई, और क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते थे उस हिरन से, बहुत खूबसूरत हिरन था, तो उसकी याद में कई दिन उदास रहे। और उदास रहने के बाद फिर ये हिरन मीनार तामीर करवाया, और इसकी जो तामीर हो रहा था बेसिकली निगरानी भी खुद की थी। एग्जैक्टली, पूरा मॉन्यूमेंट बना दिया, और सिर्फ मॉन्यूमेंट ही बनाया गया, उसके पास आप देखिए कि बाकायदा तौर पर वो भी मुगल आर्किटेक्चर में नजर आता है। अच्छा, बहुत से लोग वो जो आप कह लीजिए टोम सा बना हुआ है उसको हिरन मीनार समझते हैं, उसके साथ जो मीनार है बेसिकली वो बेसिकली हिरन मीनार है। बट उसके बाद ये बेसिकली जिस तरह के जहांगीर को हम सब जानते हैं कि शेहू कहा जाता था, उसी के नाम पे शहर भी आबाद हुआ शेहूपुरा। ये आप कह लीजिए कि बादशाहों की शिकारगाह थी, और जंगल था, बहुत से यहाँ पे जानवर रहते थे, लेकिन ख़ास तौर पर जो शाही शिकारगाह इसको बनाया गया, और अभी भी आप जाएं तो वहाँ पर आप कश्ती में भी बैठ के सफर कर सकते हैं, मैन मेड लेक बनाई गई, और बड़ा खूबसूरत है, एक आर्किटेक्चर का वाकई शाहकार है किस तरीके से पानी वहाँ पर आता है, और फिर वो जगह बहुत सहरंगेज रखती है। अब तो बहुत खूबसूरती से रात को उसमें लाइटिंग की गई है, आप फैमिली के साथ जाएं तो एक बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि पार्क है, आप कोई अपनी यू नो एक्टिविटी भी कर सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं, वहाँ पे बागात है, वहाँ पे इसका बहुत ख्याल रखना, खूबसूरत सी वो जो एक वहाँ पे लेक बनाई गई है, साथ ही साथ वो आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, हिस्ट्री बड़ी अमेजिंग है। सो हिरन मीनार के हवाले से तो हमने बहुत सी चीजें आपको बता दी, अपनी फैमिली के साथ जरूर जाइए, वोकेशन को एंजॉय करके आइए। हमें कुछ आगे बढ़ना है, एक ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देंगे तो बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। फूड बिजनेस से ताल्लुक है, जो मजेदार चटपटे खाने आप लोग खाते हैं वो खिलवाने में इनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, और इंटरेस्टिंगली मियां बीवी हैं, और दोनों अलग अलग प्रोफेशन में हैं, लेकिन अपने अपने प्रोफेशन को बड़ी खूबसूरती से लेकर चल रही हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, उनकी ट्रेवल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, और कौन है ये लोग, मिलवाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने आपको बताया था कि दो बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे और उनसे बहुत बेहतरीन गपशप रहेगी, सो हम इंतजार नहीं करवाते, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की तरफ। तो वक्त आ गया आज के खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, और ब्रेक पे जाने से पहले ही आपको बता दिया था कि मियाँ बीवी हैं। वैसे तो कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, लेकिन जब मियाँ बीवी की बारी आती है तो पहले मियाँ को तारुफ ऐसा करवाना नहीं होता, वैसे मियाँ का तारुफ करवाना चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं, चले कुर्बानी करने देते हैं आज। तो आज हमें ज्वाइन किया है चैपलिन फूड्स के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, इसके अलावा साथ साथ और भी इनकी फूड चेन्स हैं, बेस्ट्रियो पोर्टुगीज चिकन को देख रहे हैं, मंगल अरेबियन किचन रेस्टोरेंट के भी ऑनर हैं, और 20 साल का इनका तजुर्बा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में सर्व किया, दुनिया भर में ख़ासतौर पर दुबई में भी इन्होंने काफ़ी अर्सा काम किया, और वापस पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी लाहौरियों को जो है दुनिया भर के मुख्तलिफ जायके से मुतारफ़ करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह कैसा लग रहा है आपको? ये तो हमारा इंटरव्यू शुरू हो गया, सो आप बताएं आपको सुबह सवेरे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गुड। आप इंट्रो में बता रहे थे कि चाय पीनी चाहिए, कॉफी पीनी चाहिए, लेकिन आप लोगों से मिलके मुझे लगता है वैसे ही बड़ी एनर्जी आ गई है मुझे। इसका
मतलब है वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने चाय कॉफी नहीं पिलाई, हम अभी पिलाते हैं, आप फिक्र ना करें। लेकिन खुर्रम के साथ उनकी वाइफ का तारुफ भी करवा देते हैं, हमें ज्वाइन किया है एमन खुर्रम ने। एमन के हवाले से बताया कि शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, लेकिन इनका बैंकिंग का भी बहुत जो है वसी तजुर्बा है, 4 साल इन्होंने MCB में सर्व किया है। और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में टॉपर रही हैं और अब बच्चों को भी पढ़ा रही हैं। वेलकम करते हैं एमन खुर्रम को। एमन, वेलकम टू द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मतलब सुबह उठने की जल्दी आदी होंगी। इनको आज कैसे आपने उठाया? मुश्किल तो नहीं? जबरदस्ती उठाया। मैं तो यूज टू हूँ मॉर्निंग में, ऑब्वियसली ये एजुकेशनिस्ट होने की वजह से अर्ली मॉर्निंग हमें उठना होता है। लेकिन ये तो वही एंटरप्रेन्योर है और बॉस आदमी है। कैसी मॉर्निंग रूटीन क्या है आपकी? मतलब ये तो सुबह सवेरे उठ के चली जाती है, आप किस तरह अपने सुबह का आगाज करते हैं? आपको असली वाली बताऊं या टीवी वाली बातें करते हैं? दोनों बता दें। देखिए आपको अगर सच बताऊं तो मुझे अपनी बेगम के साथ और बच्चों के साथ सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने का बड़ा शौक है, लेकिन ये टाइम थोड़ा कम मिलता है। मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे और संडे को ब्रेकफास्ट जो है ना अपने बच्चों और बेगम के साथ करूं। ठीक। और नॉर्मली मैं बनाती हूं और संडे को मुझे अच्छा लगता है कि ये बनाए। क्या बात है, और वो ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। वेरी नाइस। कौन सा स्पेशल, कौन सा खिलाते हैं? मसाला चाय इनका शक्शुका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाते हैं। और इसके अलावा इनकी मसाला चाय, you will love it. मुझे लग रहा है ये शायद प्लानिंग करके आए हैं, आप मेरी तारीफ करें। मैं आपको नहीं नहीं इट्स नॉट लाइक दैट भाई, मुझे फ्यूचर में भी ब्रेकफास्ट चाहिए। मुझे लगता है कि ये ना असल मोहब्बत है मियां बीवी की। और अब हमारी शादी को मेरा ख्याल है 11-12 साल हो चुके हैं। वाह। तो हर दिन जो है ना मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। वैसे टू बी प्रीसाइज 13 इयर्स। दिल का रास्ता है ना ये ना होता पेट के जरिए ही है। मैं आपको सच बात बताऊं, खा वो मियां हो या बीवी हो, आप बीवी की खिदमत करें बीवी आपकी करेगी। आप सारे जो शोरों को फंसाने लगे हैं। अच्छा, तो ये होगी मॉर्निंग रूटीन आपकी। बट आपका बड़ा इंटरेस्टिंग एक जर्नी है। आमतौर पे लोगों के एक ही फूड चेन बनाते हैं और उसको लेके उसी को एक्सपेंड करते हैं। आपने ये तीन तीन डिफरेंट कुजीन्स रेस्टोरेंट्स जो हैं क्यों स्टार्ट किए और ये कैसा आपका कैसे आपका जर्नी का आगाज हुआ? वेल, अगर इफ़ यू गेट बैक टू 20 years ago, जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था, तो पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड नहीं थी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के नाम थे जो इनिशियल उस टाइम पे लाहौर में या पाकिस्तान में मौजूद थे, या फिर कुछ होटल्स थे। और इंटरनेशनल चेन्स ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान आना, लाइक 1997-98 में शायद मैकडोनल्ड आया था, और फिर समवेयर 98 में KFC और पिज़्ज़ा हट आना शुरू हुए थे। तो ये बड़ा ट्रेंडी था इन नए ब्रांड्स का पाकिस्तान आना। और हम लोग जो बिजनेस स्टडीज करने वाले थे, इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग की बुक्स में मैकडोनल्ड को, पिज़्ज़ा हट को कहीं ना कहीं एज अ केस स्टडी थोड़ा पढ़ा हुआ था। तो मेरे लिए थोड़ा फैसिनेटिंग था। मुझे लगता है जो रेस्टोरेंट का काम है या बिजनेस है, ये बड़ा पैशनेट तरह का काम है। इसमें आपने नौकरी करनी हो या इसको एज अ बिजनेस लेना हो, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील्ड फ्रॉम अनदर बिजनेस, क्योंकि इसकी टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, इसका काम करने का तरीका कार फर्क है। इट्स नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स, आपको इसमें खास तरह के पैशन की जरूरत है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को, इट्स लाइक अ फैक्ट्री, आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसको फिनिश गुड में तैयार करना है और उसको रिटेल की तरह सेल भी करना है उसी वक्त। जजा और सजा आपको उस आधे पौने घंटे में मिल जानी है। क्या बात है। और कोई बात है कि फिर मजा भी, खाने पीने का शौक भी हो, फिर ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है उसके बगैर आप ये काम कर नहीं कर सकते। और अगर किसी को अपने काम करने में शौक नहीं है ना, मुस्तनसर हुसैन साहब फरमाते हैं कि काम वो करना चाहिए जिससे आपको मोहब्बत हो, इश्क हो, वरना नहीं करना चाहिए। करें ही ना, क्योंकि आपका ना एसेंस नहीं नजर आता उसमें, रूह नहीं नजर आता। बेगम को भी बना बना के खिलाते हैं अच्छे खाने के नहीं? अच्छा, जरूर खिलाता हूँ। उस वक्त मैंने एमन की बात काट दी, घर भी जाना है। लेकिन उस वक्त जब मेरा दिल करता है, तब चीज बड़ी मजेदार बनती है। ठीक है। और तब शौक भी होता है कि आज मैं ना बेगम को सर्व करता हूँ। हाँ। और चाय खुसूसी तौर पे मेरा दिल करता है इसके लिए। जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, ये इतने ज्यादा खाने बाहर खाते हैं, और लेकिन जब ये घर आते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर का कुक्ड खाना खाऊं और पूरे एहतमाम के साथ। अच्छा, ये बड़ी रियलिटी है। देखिए ना कि वैसे
तो आपका इस बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, नहीं। ये क्यों है, ये तो मुझे ये बात पहले याद आ सेफ साइड पे रहना चाहिए, एक ही होना चाहिए घर में बंदा जो इस काम में हो। अच्छा ये बड़ी अच्छी फाइनेंशियल टर्म है, वैसे भी आपको मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो अच्छा है। तो आपने फिर पिज्जा हट में पिज्जा हट से करियर स्टार्ट किया, देन आई मूव टू मिडल ईस्ट, मैं आई स्टेड देयर 4-5 years एंड वर्किंग विद पिज्जा हट। I came back to Pakistan and joined again Pizza Hut at a senior position. I see. So I've been associated with Pizza Hut around 8-9 years. तो वो समझे मेरा एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जहाँ मेरी सारी करियर बिल्डिंग हुई, मेरी डेवलपमेंट हुई, मेरी ट्रेनिंग हुई, और जहाँ मुझे हॉस्पिटैलिटी फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और इसमें काम कैसे किया जाता है, इसको सर्व कैसे किया जाता है, कस्टमर सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट के बदले में, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में, एज अ बिजनेस इसको कैसे लर्न करना है, क्योंकि आई यूज टू हैंडल मल्टी रेस्टोरेंट्स एज वेल, तो मुझे सारा उसका बिजनेस का आइडिया होना शुरू हो गया। और एक स्टेज आई जहाँ मतलब इट्स अ जर्नी ऑफ 10-15-20 years जहाँ मुझे लगा कि अब नाउ इट्स टाइम टू वर्क फॉर माई सेल्फ। और फिर आपने पहला अपना कौन सा रेस्टोरेंट, इट वाज एन इंटरनेशनल चेन कोन हेड्स के नाम से मैं पाकिस्तान में लेके आया था। अच्छा जब आप बिजनेस में आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो इकट्ठे होते हैं, बट वो बिजनेस इनिशियली तो बड़ा अच्छा रहा, बट इवेंचुअली उसमें काफ़ी लॉसेज हुए, बट आई बीन स्टिक टू माई बिजनेस कि मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस में रहना है। देन वी मूव टू अनदर ब्रांड बिस्टीरो पोर्चुगीज चिकन, जिसमें मैं को फाउंडर हूँ, मेरे साथ एक मेरे पार्टनर हैं, इज बेस्ड इन कैनेडा, हिज नेम इज सामी। तो हमने ये स्टार्ट किया काम और फिर वो सिलसिला बेहतर हो गया और चलना शुरू हो गया। लाहौर में कहा जाता है आमतौर पे कि खाने का कारोबार नहीं पड़ता। नहीं ऐसा है, लेकिन नहीं सलमान बहुत सारा हो भी जाता है, बहुत से लोगों के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुए हैं, बट मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने महसूस किया, आप स्टिक रहो अपने काम के साथ ना, आपने ऐसे महसूस किया कि लाहौर में वाकई लाहौरी जो है क्योंकि फूड लवर है, शौक से खाते हैं, दिल से खाते हैं, क्या बात इनको ना, मैं कहता हूँ खाने से मोहब्बत है, ये बड़े टची हो जाते हैं, इनका खाना अच्छा ना होना इनका दिल टूटता है डायरेक्टली। मतलब आप कह रहे हैं ना कि आधे घंटे में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है कि ये हाँ, आप किसी और शहर में जाएं ना डिफरेंट फीलिंग है, लेकिन लाहौर में आप खाना अच्छा ना सर्व करें तो वो बंदा उसका वो कहता है जैसे ना आज बर्बाद हो गया, मेरा नुकसान हो गया। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, इवन हम में से हम सबके साथ ऐसा ही होता है, मैं कहीं बाहर जाऊं और मुझे टेस्ट अपने मुताबिक ना मिले तो मूड खराब हो गया, बस अब तो गए, मूड खराब हो गया। इसीलिए तो लाहौरियों को कहता है जिंदा दिलान। आपकी भी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डेफिनेटली जानने का बहुत सारा दिल कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मुझे जल्दी से ये पूछ लूं, अच्छा इन्होंने मजीद आपको क्या अच्छा खा के बना के घर में? तो वैसे मैं ज्यादा कुकिंग करती हूँ, किचन जो है मुझे तो भाई कम ही पसंद आता है कोई मेरे किचन में आए, और ये बहुत मैस क्रिएट करते हैं यार, इतना फैला देते हैं कि फिर मेरा दिल करता है कि बाहर ही रहे किचन से। और वैसे भी अच्छी बात ही होती है कि बाहर के खाने खा, लेकिन इनको अच्छा, इनको मेरे हाथ का फ्लेवर पसंद है और ये पूरे एहतमाम के साथ खाते हैं, क्या बात, चटनियाँ सलाद और 2-3 खाने, और ये इनको पूरा फील चाहिए होती है कि आज मैंने घर खाना खाया। भी आप इनसे फरमाइश नहीं करती कि आज फलां चीज बनवा के जो है घर So many times, यार ये वाली बातें ना करें। अच्छा तो आपके professional life की तरफ आते हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप educationist हैं, फिर आप banker भी रहीं, topper भी रहीं, तो ये educationist बनने का ख्याल ही कैसा, इस तरफ ही कैसा? Previously I was a banker, मुझे banking पसंद भी थी, इसीलिए मैं उस field में गई, लेकिन after getting married मुझे लगा कि this job is taking so much of my time, तो फिर फैमिली और बच्चों को मैनेज करना मेरे लिए इसमें मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो आई सिलेक्टेड एक्चुअली माय पर्सनल लाइफ फर्स्ट। तो बच्चों जब बच्चे छोटे थे तो मतलब तब मैंने जॉब में थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन आफ्टर 8 or 9 years के गैप के बाद आई फील कि एजुकेशन की जो फील्ड है दैट इज़ that actually is suitable for me. Yes, yes, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, हम दोनों और आप मैनेज कर पाते हैं ना टाइम, exactly. हाफ डे जॉब है, exactly. और बच्चे you know my kids are going in the same school where I'm doing job, so that is much much convenient for me. Very nice, very nice. और वैसे भी कहा जाता है कि every behind every successful man. और इसके अलावा एक और बात भी है, खुर्रम जो है वो बहुत ही जाना खाना पीना घूमने फिरने के शौकीन है, तो इनको भी मैं कंपनी दे पाती हूँ, तो मेरे लिए
सब कुछ मैनेज हो गया, मियां बच्चे और जॉब। ये बेहतरीन बात है कि मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों की पर्सनालिटीज इतनी माशाल्लाह से लाइवली हैं, जितना मजा आ रहा है आपसे गपशप लगा के। एक चाइनीज कहावत है, कहते हैं कि एक जो लोग मुस्कुरा सकते हैं वो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। जो मुस्कुरा नहीं सकते उन्हें कारोबार नहीं करना, ये आपकी उस पर तो परफेक्टली फिट होता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्माइल है ना बहुत कुछ कर लेती है। नॉट इन योर रेस्टोरेंट बिजनेस और एनी अदर बिजनेस, आपकी डेली रूटीन में भी लगता है आपका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है ना टुवर्ड्स एनीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें इखलाक ही सबसे बेसिक चीज है। और हमारे लिए देखें दो ही चीजें हैं, एक हकुकुल्ला और एक हकुकुल्लेबाद। हकुकुल्ला का जो जवाब है वो डायरेक्ट अल्लाह को देना है, लेकिन हकुकुल्लेबाद है उसने अल्लाह ने यहाँ यहाँ जवाब दे देना है आपको। आपके बंदे हैं इतने, उसके मखलूक है, तो आप किसी से हंस के बात ही कर लें तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बेगम के साथ हंस के बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड विद फैमिली। जो संडेज होते हैं हमारे नॉर्मली, ये इनका बच्चों का दिन होता है, और मुझे स्पेशली इनको होता है बच्चों को थोड़ा स्पेशल टाइम दूं ताकि उनको अच्छा लगे, तो मुझे ये छोड़ के सोता नॉर्मली ऐसा होता है, विच आई पर्सनली लाइक एज वेल, के बच्चों को लेके ब्रेकफास्ट पे या लंच पे जरूर जाते हैं। क्या बात है, स्पेशली बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम तर देखने वालों को भी इसे एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितना पेरेंटिंग भी एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा ना एहसास की बात है, मियाँ बीवी का एहसास करे, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की, बीवी मियाँ का एहसास करे, फिर बच्चों का एहसास करें, तभी एक खुशहाल घराना, एक अच्छी फैमिली, आइडियल फैमिली बनती है। माशाल्लाह आप लोग हैं। इस चीज़ का ऑनेस्टली क्रेडिट इमन को दूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी है ना वो बेसिकली उसका घर है और माँ है। इमन ने जो प्रोफेशन अडॉप्ट किया है ना, अपने बच्चों की तरबियत और बाकी बच्चों की तरबियत, मुझे लगता है हम टीचर के जो एक डिग्निटी है शायद अब उसको भूल चुके हैं। ये बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में भी कि कितने लोगों को ये पढ़ा रही है और कितने लोगों को टीचर पढ़ा रहे हैं, और वो लोग बच्चों ने कहां से कहां जाना है, इस नेशन की बिल्डिंग में उन बच्चों का हाथ होगा जिसकी डेवलपमेंट पे एक टीचर का रोल होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इमन ने ये अपना प्रोफेशन एजुकेशन रखा और बच्चों की, मेरे बच्चों की टेक केयर कर रही है और दूसरे बच्चों की टेक केयर कर रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो कभी एमन ने ये नहीं कहा कि बिजनेस में इतनी पार्टनरशिप मेरी होनी चाहिए और इतना हिस्सा मेरा है। शी इज ऑलरेडी देयर, शी इज ऑलरेडी देयर इन इन बुक्स, शी इज ऑलरेडी देयर। घर जाके सब होता ही उनका है। अच्छा, ये होता वैसे सारा कुछ बेगमान का है। वन ऑफ द डायरेक्टर्स इवन स्लीपिंग पार्टनर्स नहीं हो। सर आप सजेस्ट भी करती रहती होंगी कि क्या ऑब्वियसली वो तो हमारी सिग्नेचर के बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, कौन सा ये बताइए कि माशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म के आप कुजीन्स जो हैं लाहौरियों को खिला रहे हैं। लाहौर में जैसे हमने शुरू में बात की कि लाहौरी ज़ा फूड लवर्स हैं, और यहाँ ये कारोबार जितना आसान है उतना चैलेंजिंग भी है। कितना आप चैलेंज देखते हैं, मज़ीद आप क्या समझते हैं, कितनी फूड इंडस्ट्री में पाकिस्तान में पोटेंशियल है, काम किया जाए तो इससे फ़ायदा हो सकता है, और टूरिस्ट कितना अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा किया आपने टूरिस्ट वाला चीज़ ऐड की, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि हम इस पॉइंट को डिस्कस करें। आपने इनिशियली ये कहा कि उस बिज़नेस के बाद आपने ये जो बेस्टीरो, मंगल और चैपलन शुरू किए, और इसकी क्या वजह थी और ये कहाँ कहाँ हैं। आज से कुछ 5 साल पहले लाहौर में मॉल्स का एक ट्रेंड शुरू हुआ, और मॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, या 7 साल पहले इंक्लूडिंग कराची के मॉल्स एंड इस्लामाबाद के मॉल्स, जो हम इंटरनेशनल जब ट्रैवल करते हैं तो हमें आइडिया होता था कि यार मॉल्स का क्या बात है, इट्स अ डेस्टिनेशन एक्चुअली, जहां आप लोग जाते हैं ट्रैवल करते हुए। फॉर एग्जांपल आपका दिल करे तो आप सीधा आपने लैंड ही दुबई मॉल में करना है, और पता लगे 2 दिन वहीं घूम फिर के आप वापस भी आ गए, आपको लगा आप दुबई विजिट करके आए, लेकिन आपने शायद दुबई मॉल और एमिरेट्स मॉल ही विजिट किया हो। वहाँ सिनेमाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट है, मस्जिद है, शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है। अच्छा, जब ये यहाँ ट्रेंड शुरू हुआ तो मुझे लगा इवेंचुअली, मतलब सारी दुनिया में ऐसे ही है ट्रेंड कि टूरिज्म ये मॉल ड्रैग करते हैं, इंटरनेशनल और लोकल टूरिज्म। फॉर एग्जांपल लोकल टूरिज्म क्या है कि फैसलाबाद से किसी की ऑफ होनी है थर्सडे या फ्राइडे को, वी विल डायरेक्टली लैंड टू एम्पोरियम मॉल, इट्स वेरी नियर टू मोटरवे। अच्छा, या शेखुपुरा से हरन मनार जहाँ है वहाँ वाले लाहौर भी आ सकते हैं देखने के लिए, आते हैं गुजरांवाला से, और वो डेस्टिनेशन सियालकोट से, जहाँ 2 घंटे की ड्राइव है ना, यू कैन इजीली कम टू लाहौर। अच्छा, इधर इट इज पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल और दूसरे जो मॉल्स हैं, तो वी थॉट के यार इन मॉल्स में काम करें जो आने वाले वक्त में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और टूरिज्म को साथ
ये कोरिलेट करेगा और हमारा बिजनेस चलता रहेगा। और वैसे भी जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो भूख लगती है क्योंकि दिमाग भी इस्तेमाल हो रहा है, चल फिर भी रहे एंटरटेनिंग वहां पे वो नजर आ रहे होती है फूड कि आप एक्चुअली ये चाह रहे होते हैं कि बस इसको तो छोड़ दे, शॉपिंग तो हो जाएगी पहले। एग्जैक्टली, बल्कि आपके दिमाग में खाना कहीं ना कहीं पहले चल रहा होता है, मतलब ये ऐसे ही बच्चे आपके साथ हों तो फिर तो भूल जाएं, उनको पहले आपने एनर्जी देनी है खाने की, कहीं बिठाना है सुकून से, फिर उनको लगना है कि अब काम हो सकता है। अच्छा, जब ये काम सोचा ना, मैं आपका एक आपने क्वेश्चन किया था कि व्हाई चैपलिन, बस्टीरो एंड मंगल एंड ऑल डिफरेंट थ्री ब्रांड्स, व्हाई नॉट वन, और यू नो उसका जवाब भी आपको देता हूँ। तो जब ये मॉल स्टार्ट हुए तो हमें लगा कि करना चाहिए, वी स्टार्टेड बस्टीरो हियर एंड इट्स अ पोर्चुगीज चिकन जो पुर्तगाल से हमने सारी इसकी डेवलपमेंट की इस फूड की। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फूड जिसमें चिकन की दो तीन तरह की काइंड्स हैं, सॉसेज डिफरेंट हैं, स्पाइसेस हैं, शानदार और पाकिस्तानी टेस्ट पैलेट्स के हिसाब से जाता है क्योंकि पोर्चुगीज थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। अच्छा, इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड तो हमें थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी बट इवेंचुअली हम टॉक ऑफ द टाउन हुए एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट वन इन मॉल्स। क्या बात है, बेहतरीन। मैं मुंह से कह रहा हूं, वैसे तो मुंह से इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, हम डेफिनेटली हमने ट्राई भी किया हुआ है और इट्स वेरी गुड। और बाकी में थोड़ा सा उसमें जो फ्लेवर आपको डिफरेंट फ्लेवर मिलता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है बहुत से लोगों के लिए जो यहां पे डिफरेंट कुजींस ट्राई करने के शौकीन है। तो ये तमाम तरह बातें चलती रहेंगी, इनके बिजनेस के बारे में भी, इनकी ट्रेवल लाइफ के बारे में, फ्लेवर्स के बारे में भी, यस, इनकी बेगम से भी बहुत सी गपशप होनी है अभी, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बड़ी मजे मजे की गपशप लग रही थी, जी हाँ। पता चल रहा था किस तरीके से ब्रेक के बीच में भी लग रही थी, yes, हाँ, कि अपने रेस्टोरेंट्स को किस तरह लेके चलते हैं। हाँ, तो बस्टीरो पोर्टुगीज चिकन जो है वो तो एक सक्सेस स्टोरी बनी, बट उसके बाद फिर ये मंगल का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि अरेबियन फूड तो स्पाइसी भी नहीं होती, उसको पाकिस्तानियों में कैसे मुतारफ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काशी लोगों को भी समझ आए इस बात का। अच्छा, जब मॉल्स वाला मुझे आइडिया क्लिक हुआ ना, बस्टीरो एम्पोरियम में भी बनाया हमने और पैकेजेस में भी, और बड़ा शानदार चला, लगा कि मॉल्स में काम ठीक है, लोगों का ट्रेंड भी है, तो मॉल्स में उस फूड के बारे में देखें जो नहीं है, जो नहीं है। अच्छा, अरेबियन फूड बिल्कुल नहीं था, हमने थोड़ी रिसर्च की, मैंने मतलब पर्सनली थोड़ा देखा, अरेबियन फूड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे आपने कहा इसके टेस्ट पैलेट्स मुख्तलिफ हैं, बट आई थॉट के लोग ना, मतलब हमारा दूसरा घर या सऊदी अरब है या दुबई है, हर दूसरे आदमी का कोई ना कोई बंदा मिडल ईस्ट ट्रैवल किया है, या उमरा करने गया या वो ट्रैवल करने दुबई गया। आई थॉट के एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जाए जो लोगों को लगे कि जहाँ शवरमा, जहाँ जायरोज, जहाँ मंदी, ब्रोस्ट, इस तरह की चीज़ें। थोड़ा इस आइडिया पे थोड़ा और काम किया। मंगल एक्चुअली दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम अरबिक वर्ड मनकल, जिसका मतलब होता है ग्रिल। Yes. तो इट्स स्लैंग वर्ड है थोड़ा, और यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में काफी इसको यूज किया जाता है, मंगल। मंगल से मंगल, तो इट्स वेरी ट्रेंडी वर्ड। तो मंगल हम समझते हैं कि मंगल जो है वो ट्यूसडे, एग्जैक्टली। तो मंगल ग्रिल को कहते हैं, इट्स वेरी फेमस वर्ड। तो फिर वो मंगल का आइडिया आया, हमने इसको किया, और जब हमने इसको एम्पोरियम में ओपन किया तो वी वर राइट। थोड़ा हमें टाइम लगा बट अब पैकेजेस में कुछ दो साल से ओपन है, इट्स डूइंग वेरी वेल। अच्छा, आपकी ट्रेवल स्टोरी तो सुनना चाह रहे हैं, लेकिन ये चैपलिन हमें पता चल गया आप चार्ली चैपलिन के बड़े फैन हैं, ये बड़ा यूनिक आइडिया था, चार्ली चैपलिन कहाँ फिल्में और कहाँ फूड। अच्छा, मैं ना अगेन अब इसको फिर वो करते हैं कोरिलेट मॉल से, एक मॉल में एक जगह अवेलेबल थी लेकिन वो इट वॉज अ सिट इन रेस्टोरेंट। जो दूसरे वाले मेरे ब्रांड्स हैं वो फूड कोर्ट के अंदर है, लाइक अ कॉमन कियोस्क और वो फिर उसकी कॉमन सिटिंग एंड ऑल। तो एक जगह अवेलेबल थी फॉर लाइक 30-40 सीटिंग के साथ, तो मुझे लगा कि यार ना यहाँ कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और मॉल में लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए अदर देन फूड, तो क्या ऐसी चीज लिंक की जाए कि लोगों का यहाँ दिल करे आने को, बैठने को। और थोड़ी हमारी आजकल की आवाम जो है वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम वाली है, यंगस्टर्स जितने भी हैं, तो जो रेस्टोरेंट है वो इंस्टाग्रामेबल होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? एग्जैक्टली, पिक्चर खींचें, स्टोरी लगाएं, वायरल हों चीजें, तो मजा आना चाहिए, बिजनेस भी वायरल होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, अब चैपलिन एंबियंस बड़ा इंपॉर्टेंट ना फूड के साथ, इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो
आई थॉट कि कोई ऐसा फूड हो जो इस करेक्टर की आइडेंटिटी को सूट करता हो. तो इस रेस्टोरेंट में मैंने जो मतलब जब मेन्यू आई वॉज वर्किंग, तो ये आइडिया आया कैसे चैपलन का कि सैंडविचेस हैं, बर्गर्स हैं, स्टेक्स हैं या बेगल्स हैं, ये सारी चीजें यूरोप का ओरिजिन था. और चैपलन, चार्ली चैपलन वॉज बॉर्न इन लंडन और ही स्टेड हाफ ऑफ हिज लाइफ इन यूरोप and rest in America and he yes. came back to Europe again. Yes. So I thought that this character suits to my product line. Yes. और इसको क्यों ना इसके साथ अटैच किया जाए यूरोप और अमेरिका के फूड को और इस कैफे को बना दिया जाए इसकी थीम के साथ. और बड़ा इंटरेस्टिंग आपने देखी हुई है उसका पिक्चर्स. अब ये आपने विजिट नहीं किया लेकिन आपको विजिट करना पड़ेगा. डेफिनेटली जितनी आपने तारीफ किया आई एम श्योर कि हमें विजिट करना चाहिए और हम डेफिनेटली विजिट करेंगे बल्कि जाके आपसे डिस्काउंट भी लेंगे. लेकिन आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइए कि घूमने फिरने का आपने शौक के हवाले से बात की कि इनको घूमने फिरने का बहुत शौक बहुत है, तो आपको लेके इन्होंने कहाँ कहाँ कितना ट्रेवल किया? यार आई गेस कि पाकिस्तान तो हम पूरा ही ऑलमोस्ट फिर चुके हैं और ये सडन प्लान बनाते हैं हमेशा, बस बस शॉर्ट नोटिस पे रेडी होना बस है, बस उठो चलो जा रहे exactly. अच्छा, तो ये ऐसे भी प्लान एक, बनता भी ऐसे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है. मेरा ख्याल है इस तरह के प्लान ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं प्लान्ड जो एक्चुअली बन जाते हैं ना. आप निकल जाते हो वरना प्लान करते रह गए तो बस फिर तो नहीं रह जाते. वो कहते हैं सफर है शर्त, वरना इंसान ये सोचता रहता है ये मुश्किलात आएंगे अच्छा बाद में. एग्जैक्टली, तो इसमें भी ब्यूटी है मुझे, इसलिए भी इनके साथ ज्यादा ट्रैवल करने का मजा आता है तो क्योंकि स्पॉन्टेनियस होते हैं हमेशा. बट सबसे ज्यादा किस जगह पे जाके ज्यादा मजा आया, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी? सच बताऊं तो हम दुबई में मुझे बहुत 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 मजा आया इनके साथ. वो भी कैसे ही सडन हम लोग गुमराह के लिए प्लान किया हुआ था, तो सडन हमने प्लान किया कि वाया दुबई चले जाता. तो वहाँ मैंने बहुत ज्यादा, वो मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था खुरम के साथ, वो मैंने बहुत ज्यादा ये तो सडन प्लान नहीं होगा ये पाकिस्तान में जो सडन प्लान बना कि चलो भाई ये वैसे ये तो बनते ही रहते हैं नॉर्दर्न एरियाज के. नॉर्दर्न एरियाज में अक्सर हम लोग जाते हैं और मुझे हमें थोड़ा पसंद है थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस जो होती है. तो क्योंकि आप लोग लाहौर में इतनी गहमा गहमी और इतना शोर आप लोग जाते हो थोड़ा आइसोलेट करने के लिए, थोड़ा मी टाइम एंजॉय करने के लिए. तो वो हमने बहुत नॉर्दर्न एरियाज में अक्सर हम अयूबिया से आगे एक जगह है खानसपुर, वो हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन है. बहुत पीसफुल काम, बहुत अच्छा. हम बात कर रहे थे कि एम्बियंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप किसी जगह पे खाना खा रहे हैं अगर जगह अच्छी हो तो वो फिर आपके लिए बड़ी यादगार बन जाती है. तो ट्रेवल करते हुए कोई कोई ऐसी मेमोरी आपके कि कोई चीज खाई हो, कोई सौगात खाई हो और वो याद रही और अभी तक याद है? सो मेनी थिंग्स. अब इस टाइम ऐसे मुझे तो बह जो नथिया गली के रास्ते में जो मंकीज को खाना खिलाना ना वो बहुत ही स्वीट मेमोरी है. एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे होते हैं और एक दफा वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है काफी. वो आप वो जैसे आप खाना पकड़ते हैं ले जाते हाँ, तो वो वाला जो चीज है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है. चलें अब क्या बात है, फिल्म की तरफ आते हैं. फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान में जहाँ जाके एक्चुअली फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और आपको लगता है कि हमें ये पता चल गया फैसला आपने करना होता है एकदम. अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, उसका अपना एक थिंकिंग है, लेकिन लाइफ में ना एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थ्रिल होना चाहिए. लाइफ ना बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब लाइक अ बोरिंग मियां बीवी, बोरिंग बच्चे, क्या जिंदगी है? मतलब आप सुबह उठे, नौकरी पे गए या काम पे गए, रात को वापस आए, रोटी खाई, सो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम. यू हैव टू लिव वंस, मतलब एग्जैक्टली. और क्या ऐसा मसला है कि मियां बीवी दोस्त नहीं हो सकते? क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि हम दोनों ही क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? एग्जैक्टली, यकीन करें मुझे ये मिथ ही है. मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी शादी के बाद लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है. मैं आई हैव लिव्ड माई लाइफ माशाल्लाह, जो मैरिड लाइफ है अल्लाह का शुक्र है, और बच्चों के साथ बेगम के साथ बड़ा मजा आता है ट्रेवल करने का. मुझे लगता है आपकी लाइफ कम्प्लीट हो जाती है. एग्जैक्टली, ठीक है मेरा फैमिली सर्कल के अलावा सोशल सर्कल भी है, मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, मेरा बिजनेस सर्कल भी है, मैं उनके साथ भी टाइम देता हूँ, बट हमारे डेली रूटीन में से आपको मुझे लगता है कुछ टाइम मैनेजमेंट चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, बिलीव मी मेरी कोशिश होती है. मेरे फादर अब हयात नहीं है, उनकी अप्रैल में डेथ हुई थी, बट मेरी उनके साथ बड़ी कंपनी थी और वो तहज्जुद के टाइम उठते थे, सुबह नाश्ते के शौकीन थे, तो मैं उनके साथ नाश्ते पे जाता था जब सारे ये सोए होते थे. क्या बात है,
अच्छा इतना सुबह सवेरे उनकी कंपनी को मिस करता हूँ. ही वॉज माई ब्रेकफास्ट पार्टनर, क्योंकि कोई नहीं उठता था तो वो उठे होते थे और मुझे वो कहते थे जब मैं अपने रूम में से आता था, यार मैं तेनों याद कर रहा सर. और कभी वो मुझे मतलब हमारा कोई डिसाइड नहीं होता था, मुझे फील आती थी कि पापा उठे होने हैं, चलो यार जरा ब्रेकफास्ट पे चलते हैं. क्या बात. और ही वाज वेटिंग फॉर मी डाउनस्टेयर्स. सही लाहौरी नाश्ते. मैंने सुना है कि वो सुबह सवेरे होते हैं. सिरी पाए उनको पसंद थे मुझे भी. और हमने जाना अंदरून जाना मजंग पे, है ना, हनीफा सिरी पाए बड़े मशहूर हैं यहां के, वहां जाना करती थी इनको. और हम तीनों फुल ऑन. और मैं कहती होती थी जितना आप मंगवाएंगे मैं उतना ही खाऊंगी, लाइक मैं भी पाए भी खाऊंगी, मगज भी खाऊंगी. लेकिन ये मगज के अलावा मेरा मगज भी खाते हैं. वो ज्यादा जरूरी है तो मजा नहीं आता. अब आफ्टर पापा मेरी कोशिश होती है जब ये स्कूल चली जाती हैं तो सुबह मैं अपनी मदर को कोशिश करता हूँ ब्रेकफास्ट बना के दूँ. शी कैन डू एवरीथिंग. एग्जैक्टली. आपको थोड़ा ब्रेकफास्ट बना के दूँ, चाय बनाऊँ, फिर हम बैठे हैं थोड़ी गपशप लगाते हैं. मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कोई काम कर रहा हूँ, मतलब बड़ी अच्छी औलाद होगी लोगों की, मैं तो बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ इस मामले में, बट स्टिल मुझे लगता है वी हैव टू हैव सम टाइम मैनेजमेंट. ये आपने बिल्कुल सही कहा. और बड़ों बड़े क्या मांगते हैं हमसे सलमान, कुछ भी नहीं मांगते, खुशी मांगते हैं, स्माइल मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, टाइम मांगते. और ये टाइम बड़े होने के, हाँ हमने बड़े होने, हम अगर नहीं करेंगे तो हमारे बड़े के बाद बूढ़े भी होने. अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात कही. और टाइम मैनेजमेंट जिस तरह की उन्होंने कहा कि हर एक का हकुकुल्ला हकुकुल इबाद, अल्लाह से जो आपने, वो तो अल्लाह से आपका मामला है, लेकिन लोगों के लिए हर एक के लिए आपको टाइम निकालना है. ऐसे ही है. और इसी तरह हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इतना खूबसूरत, हमें इसके लिए भी टाइम निकालना, बिल्कुल निकालना है. इस कम्युनिटी को भी सर्व करना चाहिए. हम लोग तो अपनी कैपेसिटी में कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के खूबसूरत लोग दुनिया को दिखाएं. ऐसे ही है. हम चाहते हैं आप भी इसमें हमारा साथ दें. और वो कैसे दे सकते हैं बताते हैं आपको अपने अगले सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे में. सलमान ने कहा कि हम सब पे थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मुल्क की, कि हमने इस मुल्क का खूबसूरत चेहरा दुनिया को कैसे दिखाना है. और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी कर सकते हैं, हमारा साथ देके. आपने हमारे साथ मिलके पाकिस्तान को प्रमोट करना है. और बहुत आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल. जैसे हम हमेशा बात करते हैं इंस्टाग्राम के, भी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी इंस्टाग्राम का जिक्र किया कि आज की दौर इंस्टाग्राम का दौर है, यंगस्टर्स का दौर है. आप लोग अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा हम दुनिया के सामने रख सकते हैं. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है. अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उन पर जाइए. जिस तरह से आज हमने आपको हिरन मीनार की सैर करवाई, हिरन मीनार को आप आज ट्रेंड कर सकते हैं. आप कोई भी हैशटैग लगाएं, हैशटैग डिस्कवर हिरन मीनार, विजिट हिरन मीनार, हैशटैग डिस्कवर पाकिस्तान, हैशटैग विजिट पाकिस्तान. ये वो चंद हैशटैग्स हैं सलमान के जो अगर हम यूज करें और अगर कोई एक भी ट्रेंड में तो हो जाता है लोग देखने आए. ये मैंडेटरी है. इसके अलावा जितने आपका दिल चाहता है आप उतने हैशटैग्स बनाएं. जिस तरह की आजकल हमारे जो मॉर्निंग गेस्ट उन्होंने भी बात की और वाकई हकीकत ही है. जो हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं आजकल हर एक के हाथ में ये टूल है और हम इसका सही तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं. अगर हम थोड़ा सा टाइम पाकिस्तान के लिए निकाल लें, जैसा अंबर बता रही थी इतने सेकंड में मैंने ट्वीट भी कर दी, आप उसको भी रीट्वीट कर सकते हैं. और अगर हम सब मिल जाएं तो हम इस एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास 69% यूथ है. हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं पाकिस्तान कितना खूबसूरत, बिल्कुल कितने अमेजिंग लोग हैं. अमेजिंग लोग तो हैं डेफिनेटली. ये बताइए कि किस तरह से हम यूथ को इंगेज करें पॉजिटिव चीज़ों में, क्योंकि आप ऑब्वियसली एजुकेशनिस्ट नहीं हैं तो मुझे लगा कि क्योंकि हम यूथ के हवाले से बहुत बात करते हैं तो ये एक चीज़ पूछनी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अपने बच्चों को कैसे इंगेज करते हैं. मेरा पॉजिटिव, जैसे हम लोग जैसे अभी वी आर यूजिंग दिस चैनल तो हम अवेयर कर सकते हैं अपनी यूथ को. यूथ वैसे ऑलरेडी काफ़ी अवेयर है और रिस्पॉन्सिबल भी है. आज की जो यूथ है वो प्रीवियस यूथ से आई फील के वो ज़्यादा अवेयर है बिकॉज दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन. तो बस हमें उनको गाइडलाइंस देनी चाहिए और उनको मेरा ख्याल है स्टेप अप करना चाहिए और आगे आना चाहिए कि हाउ मच दे हैव द पोटेंशियल टू डू समथिंग गुड फॉर देयर कंट्री. तो दे ऑलरेडी नो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री के लिए उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. और बढ़िया सा मुझे ऐसा लगता है एमन ठीक कह रही हैं. और उसके अलावा ना हमें अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना है. यस अपने कहीं जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत की. देखिए सबसे आसान है आपका अपना घर सीधा करना. जी हाँ.
देखिए ना, मैं आज बेड़ा उठा लूं डिस्कवर पाकिस्तान का और मैं को मैं पूरे पाकिस्तान का काम ठीक कर दूंगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट सम हाउ, मुझे लगता है शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मैं अपने घर को सीधा कर सकता हूँ. अच्छा, आप अपने घर को सीधा कर सकते हैं. अब चार घर सीधे हो गए, चार के 40 होंगे, 40 के 400 और फिर 4000. बात ये कि हमने थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आनी है अपने अंदर और ये देखना है कि हमने अपने लोगों को सही कैसे करना है. मैं आज अपने बच्चों को कहूंगा कि नहीं यार ये काम ठीक है. और इनफैक्ट फ्राइडे को मेरा भाई आया मेलबर्न से. मैंने कहा यासर तुम्हें असल बात बताऊं, तुम किस लिए आए हो लाखों रुपया लगा के मेलबर्न से, सिर्फ इस मुल्क की मिट्टी खाने. बिल्कुल, ये रियलिटी है. तुम किससे मिलने आए हो? अपने लोगों से. ऐसे ही है. तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मेलबर्न में अच्छी हवा, अच्छी फिजा, ग्रीनरी, फूड अच्छा, घर अच्छा, गाड़ियां अच्छी, दौलत, उन सबको छोड़ छाड़ के यहाँ फ्लाइटें खुली है, तुम्हारे से बस नहीं चल रहा था, यू लैंडेड टू लाहौर इस मिट्टी के लिए. Yes. ये जो जिसमें स्मोग है ना, ये हमें अच्छी लगती है. ये हमारा मुल्क है, ऑनेस्टली यही रियलिटी है. हम यहाँ की जम्पल है, यहाँ ये इसमें हमारी रूह है, हमारा एसेंस है और इसकी वजह से हम हैं. बिल्कुल, ये मोहब्बत है. और हम भी बार बार अपने प्रोग्राम में ही कहते हैं कि हमें अपनी पाकिस्तानियत पर फखर करना है, भी पाकिस्तान ओनरशिप लेनी है. हाँ. तो जिस तरह से आप जाहिर है बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने अपने हम अपने फूड के बारे में भी बहुत ज्यादा वो है, कॉन्शियस है. हम अपने लोकल खानों के हवाले से मुझे बताइए कि पाकिस्तानी फूड में आपको क्या पसंद है, पाकिस्तानी कुजीन को कब लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे कुजीन लॉन्च किए जो कि मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तानी कुजीन. अच्छा, मैं मेरा इट वाज बैक ऑफ इन माइंड कि मुझे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का काम करना है. सही. अच्छा, और अच्छा. एक ब्रांड मैं थोड़ा रिवील ही कर देता हूँ. मेरे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था कि मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे लगा कि मैं उनके नाम से कुछ शुरू करूँ. और उनको मियाँ साहब कहते हैं, तो मैंने सोचा कि मियाँ साहब के नाम से कुछ होना चाहिए, मियाँ साहब, और हम उसके ऊपर कुछ काम करें और पाकिस्तानी फूड को मर्ज करें उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जो उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग थी. तो ये मेरे जहन में कुछ आइडियाज हैं जिसको मैं एक्सप्लोर आजकल कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में उस पर इंशाल्लाह. ये भी बड़ा सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि पाकिस्तानी फूड है ही इतना बेहतरीन. जहाँ बात करते हैं पाकिस्तान के पहाड़ों की, सहरा की, समुंदर की, तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का ट्रेडिशन. ट्रैवलिंग के बारे में आपने नहीं बताया कि आप कहाँ जाना. मैं आपको बताऊँ, अगर मैं पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे ट्रैवल किया है. पाकिस्तान में ना इतना ज़बरदस्त और रिच कल्चर है ना. Yes. मैं आज अपनी बेगम से कह रहा था कि यार यकीन करो, हम पाकिस्तान में ट्रैवल करना शुरू कर दें ना तो ख़त्म नहीं होता, इतना मज़ा आता है. हाँ. मैंने सही गर्मी में, सख्त गर्मी में बहावलपुर में सफर किया हुआ है. वाह. सख्त गर्मी में मुल्तान गया हुआ हूँ. तो ये वो जगह है जहाँ गर्मी में ऐसे लगेगा जैसे आग बरस रही है, लेकिन उस ट्रेवलिंग का अपना मजा है. आप सख्त सर्दी में आप गए हुए हैं नॉर्दर्न एरिया में, क्या बात है, वहाँ का कल्चर ही और है. वी वर प्लानिंग टू गो टू पेशावर, भाई आया हुआ, तो मैंने कहा चलो पेशावर का प्लान बनाते हैं. अब पेशावर का जो फूड है उसका, इट इज अनमैचेबल, अनमैचेबल. आप सोच ही नहीं सकते कि क्या अरोमा, क्या फूड, वाह. मैं तो यकीन कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ. पहुंच गया हूँ पेशावर. आप नमक मंडी चले जाएं, आउटस्टैंडिंग फूड है, इतनी एक लेगेसी है. मतलब आपने दुम्बा खाना है ना, वो दुम्बे का जो आपका वो एक पहली बाइट आपके मुंह में जानी, आपने कहा ना वाह मैं ना जन्नत में आ गया हूँ. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा, और स्पाइसेस नहीं है, सिंपल हर्ब्स के साथ बनाया, नमक के साथ सलमान. हाँ. जस्ट नमक. हाँ. इमेजिन करें कि क्या उनके हाथ में जायका होगा. हाँ. मतलब इसका क्या उन्होंने टेक्निक यूज की होगी कि आप खाने वाला कहता है यार कमाल रूह ताजा हो गई. हाँ, सबके मुंह में ये तो पानी ले आए. हाँ. आप ये बताइए कि इतना अच्छा फूड को एक्सप्लेन करना. अच्छा आप ये बताइए, बहुत सी चीजें आपने ट्राई की होंगी, लेकिन कोई यूनिक चीज उन्होंने पाकिस्तान की आपको खिलवाई जो आपने आपने कहा कि यार वाओ दिस इज अमेजिंग. और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से ही सच अ फूडी, तो इनके टेस्ट बड्स को मैच करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है? नहीं, 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 वैसे काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. बाहर बहुत पिकी हैं चीज़ों को लेके कि इन फ्लेवर चीज़ों को, लेकिन घर में ये इनको जो भी मैं बनाती हूँ बहुत पसंद आता है. क्या बात है. और बल्कि समटाइम मुझे ऐसे लग रहा होता है गेस्ट से ज़्यादा ये अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे. और मैं कह रही होती हूँ खुरम थोड़ा सा गेस्ट को भी मौका दें कि वो ये कहें कि खाना बहुत अच्छा बना है.
ऐसे ही है, जन्नती शोहर है। पता नहीं शायद ये हर बंदे फूबी होने का, एक अजीब तरह के लोग होंगे थोड़े पागल से। खाने को ना मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत से खाना चाहिए, और उसको परोसना भी मोहब्बत से चाहिए। अच्छा, कई दफा मेरी और एमन की लड़ाई हो जाती है घर में, इसने खाना दिया, मतलब थोड़ी कैजुअली ना, जैसे घर में आप खाना सर्व करते हैं, सर्व कर दिया, नहीं यार मैं, मुझे लगता है जैसे खाने की तोहीन हो रही है। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि बकायदा टेबल जो है प्रॉपर सजी होनी चाहिए। आपका एक दिन पुराना सालन हो, वो भी एडिशन। सलमान आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब बाहर दुबई में रहता था अकेला, मतलब हम लोग फ्लैट्स में कजन यार दोस्त रहते थे, मैं अकेला खाना खाना ना, मैं पूरा दस्तरखान में जाता। क्या बात है, चीजें रेडी करनी अकेला, कर कौन रहे मैं, खा कौन रहे मैं। तो बंदा कहता है ना यार मैं एक शवरमा लूं, बैठूं उधर, फिनिश करूं, खाना खा लिया, खत्म। नहीं, मुझे लगता था कि नहीं यार, दिस इज नॉट द लाइफ के यार, हम मतलब क्या है, काम किया आके सो गए बस। नहीं, मतलब आपको खाने को ऐसा एंजॉय करें कि आपको पूरी फीलिंग आए, बिल्कुल ऐसा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि आप लोग अपनी जिंदगी को भी भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं, और हमने आपके साथ बहुत एंजॉय किया है, और ट्रस्ट मी, ये गपशप का सिलसिला इसे बंद करने को, रोकने को, और आगे बढ़ने को दिल नहीं चाह रहा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और आपने इतने अच्छे-अच्छे टिप्स दिए। मेरे ख्याल से ये तमाम मर्दों को इस तरह की टिप्स को फॉलो करना चाहिए। एक्जेक्टली, आज की एपिसोड देखनी चाहिए बार-बार। थैंक यू वेरी मच, रिपीट में देखनी चाहिए। आप भी आई और आप लोगों का बड़ा चलने भी नहीं दिया ये मुझे। सॉरी यार, ये तो अब घर जाके ये आप लोगों का घर जाके मामला। मैंने तो आपको पहले ही कहा था फोरम के आगे, तो वैसे जो भी है इनको सुनना, सुनने का भी मजा आता है। बिल्कुल, आप ठीक है, हमें भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन वक्त की कमी है, और आप लोग भी बिलाशुबा एंजॉय कर रहे होंगे। बट अच्छे अच्छे टिप्स आप लोगों को लेने हैं कि किस तरीके से हम खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि हमें एक एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, और खाने के मोमेंट को भी खास तौर पर जो है एहतमाम के साथ छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, एक दूसरे के साथ खुश होकर रहें, मिलकर रहें, अपनी रूट्स से जुड़े रहें, यही है आज का मैसेज। और अब हम छोटी सी ब्रेक की जाने जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और जिस तरह ब्रेक से पहले हमने आज के खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई, और बड़ी मजे की गपशप रही, बड़ा कुछ जानने को मिला, और बड़ा अच्छा लगा कि देखिए दोनों मियां बीवी मिलके किस तरीके से अच्छा काम करें, सर्व करें। हमारी जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वो बहुत अच्छी अंदाज से आगे बढ़ रही है, आगे लेके चल रहे हैं, और अच्छे अच्छे आइडियाज भी हैं इनके पास। तो सिलसिला आपको पता है कि हमारा रुकता नहीं है, हम आपको अमेजिंग गेस्ट से मिलवाते रहते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट इंस्पायरिंग विमेन की जानिब। सो जनाब, इंस्पायरिंग वुमेन में आपको वेलकम करते हैं, और जिस तरह से मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारी ख्वातीन किसी से कम नहीं है, दे आर लीडिंग द नेशन राइट नाउ, मर्दों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, और बहुत खुशी होती है जब आप सो मिलवाते हैं हम ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। सो आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, सेंट जोसेफ कॉलेज बराए ख्वातीन से उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, प्रोफेशनल एजुकेशन और टीचिंग में मुकम्मल सर्टिफिकेशन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमाउथ यूके से, जो कि बीकन हाउस से एफिलिएटेड है, वहाँ से हासिल की, कैम्ब्रिज से एजुकेशन लीडरशिप सर्टिफिकेशन भी हासिल कर रही हैं, और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ मुंसलिक हैं। 20 साल का इनका जो है वो तालीम के शोबे से ये मुंसलिक रही हैं, इनका तजुर्बा है, और जिस तरह की अंबर ने बताया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ मुंसलिक रही। इस वक्त सोल स्टेम स्कूल सिस्टम है जहाँ की हेड मिस्ट्रेस हैं, वहाँ पर सर्व कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साइमा रजा। साइमा, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। साइमा, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इतना कुछ आप कर रही हैं, इतने आपने सर्टिफिकेट्स हासिल किए, सो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई?
वेल जर्नी 20 इयर्स अगो स्टार्ट हुई अराउंड 2001 में और एज अ टीचर स्टार्ट हुई और लेस देन आई न्यू कि मैं एक्चुअली इस प्रोफेशन में काफ़ी आगे तक जा सकती हूँ और फिर उसके लिए ट्रेनिंग फिर मैंने बीकन हाउस के साथ एसोसिएशन में उनके साथ जॉब की फिर ऑब्वियसली इट्स एन इंस्टीट्यूट इटसेल्फ तो वहाँ से वन आफ्टर द नेक्स्ट ट्रेनिंग करते 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 हियर इज हु आई एम राइट नाउ क्या बात है भाई वेरी नाइस अच्छा ये बताइएगा कि हम सब बात कर रहे थे कि जो पढ़ाना है ये जो उस्ताद की जगह है ये बहुत अहम है बट ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में शायद उस्तादों को भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा है क्योंकि जिस हम बात कर रहे थे अगर उस्ताद खुश शक्ल हो अच्छा उसने लिबास पहना हो और वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों की शख्सियत पे बड़ा असर पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल आई कम्प्लीटली अग्री इस चीज़ से कि एक अच्छा टीचर अगर हम कहें कि एक अच्छा टीचर क्या है तो उसके अंदर उसका एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी वेल ड्रेस्ड होना उसका वेल ग्रूम्ड होना वेल वर्स्ड होना बच्चों से एक बबली सी नेचर होना जिसके अंदर बच्चों का कॉन्फिडेंस बहाल हो स्पेशली आफ्टर दिस पोस्ट कोविड थिंग उसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की ओवरऑल वेलबींग के लिए टीचर का हर तरीके से मुकम्मल होना जी क्योंकि बच्चा सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अपनी टीचर को आइडियलाइज करता है इंस्पायर होता है और इवन हमारे बच्चे भी देखेंगे मेरी बेटी घर आती है तो मुझे कहती है दुपट्टे इस तरह से लिया करें बाजू को यूं करके क्यों बैठी नहीं है बिकॉज दे आर एक्चुअली इंस्पायर्ड अपनी जो टीचर्स हैं उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं अच्छा ये बताइए कि बहुत से आपने सर्टिफिकेट्स हासिल किए टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो एक अच्छी सोसाइटी जो है वो तरतीब दे सके देखिए टीचर की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज शी इज़ द वन जिसे हम कहते हैं दे आर द मेकर एंड द ब्रेकर्स ऑफ द नेशन एंड ऑफ द चाइल्ड राइट वहाँ अगर टीचर ही अनप्रिपेयर्ड होकर क्लासरूम में जाता है एंड द पर्सन डजंट नो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच ऑब्वियसली इज़ नॉट गोइंग टू लीव एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड सो टीचर की एक ट्रेनिंग उसके लेसन प्लान से रिलेटेड कि जो उसने कॉन्टेंट पढ़ाना है उससे रिलेटेड कि उसने कौन से टूल्स और कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं उसने बच्चों को किस तरीके से तरतीब देना है उनकी सीटिंग अरेंजमेंट उनके आई कॉन्टैक्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका बोलने का स्टाइल ये हर चीज़ उनकी ट्रेनिंग के अंदर शामिल होती है विच इज़ very much important before the teacher enters into the classroom she should go through each and every aspect of a good teacher exactly you know the baat ki ki teacher ko bhi apni ahmiyat ka andaaza hona chahiye aur jitna wo prepared teacher hoga utne acche se bachon ko padhayega acha ye batayega saima aaj kal hum dekhte hain jaisa ki abhi aap kuch stem school system hai nayi se nayi taleem ke jo hai jadid tareeke samne aa rahe hain activity based aur phir पेरेंट्स भी बड़े कंफ्यूज हैं बच्चे भी कंफ्यूज हैं टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो इससे किस हद तक वो हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की भी बात होती है तो आप लोग भी क्या इन तमाम तरह चीज़ों से वो होते हैं या आप लोगों के लिए इट्स लाइक नॉर्मल See, it's nothing is normal. Obviously, changes are bringing new things in our teaching and curriculum and teaching and learning styles both. तो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू एसएनसी हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं जो हम बच्चों के लिए प्रिपेयर करते हैं हर स्कूल अपने लर्निंग आउटकम्स प्रिपेयर करता है तो उसकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी थी विच एवरी स्कूल हैज़ वर्कड ऑन उसके साथ साथ इफ़ यू से कि अपनी टीचर की प्रिपेयर्डनेस पर मैंने आपसे अभी बात की फिर उसके बाद मैंने बच्चों से रिलेटेड बात की यू नो दीज थिंग्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड It's a triangular, not only with the parent who is the you know client of a school, and you know in connection with the teacher he is working, but teacher ka bhi apne curriculum ko completely understand karna, usse related subject wise training lena, especially when it comes to STEM. It is science, technology, engineering and mathematics. और अगर आप इसमें arts enter कर दें तो it's STEAM. तो ये एक्चुअली इंटर डिसिप्लिनरी यूनिट्स बनते हैं दे आर सब्जेक्ट इनके सारी इंटीग्रेशन हुई हुई है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है सो टीचर्स आर ट्रेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम सो दैट दे कैन गो इनटू द क्लासरूम प्लान अकॉर्डिंगली एंड एग्जीक्यूट द प्लानिंग अकॉर्डिंगली बेहतरीन अच्छा मुझे अपने हवाले से बताइए कि जिस तरह से आप अभी एजुकेशनल लीडरशिप सर्टिफिकेशन हासिल करिए कैम्ब्रिज से जी ये क्या है और अब तक ये जो सफर है आपका बेसिकली जो ट्रेनिंग लेने वाला सफर है ये भी खत्म नहीं होगा तो क्या समझते हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें लर्निंग को साथ साथ कंटिन्यू करना है चाहे हम पढ़ा रहे हैं किसी भी फील्ड से वाबस्ता है लर्निंग नेवर स्टॉप्स गॉन आर द डेज कि अगर कोई ये कहे कि टीचर सिर्फ एक टीचर है बस एक उस्ताद है और उसको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या अगर टाइम उसको पास करना है तो टीचर बन जाए बेसिकली टीचर इज़ नाउ अ लर्नर
And it is an endless journey. Yes. So if you are not coming up to the required level of the new era, जिसमें नए टीचिंग टूल्स शामिल किए गए हैं, जिसमें नई मेथडोलॉजीज शामिल की गई हैं, जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो कि इफेक्टिव लीडरशिप के लिए ज़रूरी है वो शामिल किया, अगर हम इसको गो थ्रू नहीं करेंगे तो ना हम इफेक्टिव लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हैं, ना एक अच्छे टीचर को ट्रेन कर सकते हैं, ना हम अपना स्कूल रन कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ लीडरशिप इजी जॉब एग्जैक्टली। और जिस तरह से आप इस वक्त एक हेड मिस्ट्रेस भी हैं, सो कैसे कितना मुश्किल है मैनेज करना भी, क्योंकि सलमान एक तो आपने पढ़ाया, पढ़ाने का सफर इज डिफरेंट, बट मैनेजमेंट इज ऑल्सो यस इट इज। जिसी तरह मैंने अभी कहा ना कि लीडरशिप इट्स नॉट अ मैनेजरल पोस्ट ओनली, इट्स अ लीडरशिप role, yes. Where you take the responsibility and ownership of the entire school, the faculty, the children, the parent, the stakeholders and the custodial staff, and then you come up, you know, you bring them on board jahan aap school ke improvement plans ke upar working karte ho, jisme student well being bhi hai, unki security bhi hai, aapki professional development bhi hai teachers ki, and everything, it's an ongoing process. To ye sare areas uske andar cover up hote hain, and it's a long task. Achha. आमतौर पर ये समझा जाता है कि स्कूल में अगर कोई पढ़ा रहा है तो बस वो 8 to 2 उसकी टाइमिंग है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो इट्स अ फुल डे जॉब। तो कैसे मैनेज करती हैं, फैमिली को कैसे टाइम देती हैं, और अब तो जैसा आपने बताया कि आप पूरा स्कूल देख रही हैं। Yes, it's a tough job and it takes a long day now. क्योंकि पहले ये होता था कि हाँ आप half of the day you are at school and then you leave everything वहीं पर, और आप copy checking अगर है वो भी वहीं complete किए and then you just go home. It's not that anymore. अब आपको जब से ये COVID hit किया तो उसके बाद हमारी as a teacher job 24/7 पे चली गई थी, which was very very hectic. और यहाँ पर मैं कहूँगी कि सलाम है doctors को, but मैं as a front liner मैं कहूँगी टीचिंग और लर्निंग ऐसी थी जो कि अनइंटरप्टेड रही, और टीचर्स ने उसके लिए डबल द टाइम वर्क किया, ट्रेनिंग्स ली वर्चुअल भी और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ली। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यस दे रियली रियली वर्कड हार्ड। तो अब यहाँ पर अगर एज अ पर्सन आप बात करेंगे तो यस, मुझे घर में हम टीचर्स को इनफैक्ट सबको काफ़ी कम टाइम मिलता है अपने बच्चों को देने के लिए। तो अगर कोई अब हमसे ये पूछे कि आपके बच्चे कितने हैं, तो मेरा ख्याल 731 या 456 के ऊपर हम बात करेंगे, बिकॉज वी फॉरगेट कि हमारे अपने बच्चे भी घर के हैं। वी आर मोर फोकस्ड ऑन द स्कूल कि हमारे बच्चे हमारे उस क्लासरूम के अंदर और एक लार्जर लेवल पे अपने स्कूल के। अच्छा, क्या बात है। और अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि आप समझते भी हैं। आजकल हमने देखा है कि टीचर्स आर वेरी मच कनेक्टेड विद पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज़ आई एम अ पेरेंट मायसेल्फ। सलमान को भी अंदाजा होगा कि हम सब उन टीचर्स के साथ कनेक्टेड हैं, और वो हर तरह से हर बच्चे को जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसकी लर्निंग है वो करवाने के लिए तवज्जो देती हैं। जैसा ये बता रही थी, मेरे ख्याल से अब तो पेरेंट्स भी सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, उन्होंने भी सीखा वर्चुअल किस तरह क्लास लगवानी है। बीइंग अ पेरेंट, एक एक बच्चे को ना जब आप पढ़ रहे होते हैं तो खुद भी लर्निंग होती है कि अच्छा ये ऐसे है और वैसे है। और अब वही बात है, जिस तरह टीचर सीख रहे हैं पेरेंट्स को वाकई सीखना पड़ता है। जिस तरह के बड़े अच्छे बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनने सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, उनका होमवर्क भी डिफरेंट तरीके से उनकी वेबसाइट पे आएगा, पहले पेरेंट्स समझेंगे फिर बच्चों को करवाएंगे। एक्चुअली इट वाज अ 50-50 रेशियो पहले, व्हेन इट वाज अ कंप्लीट फेस टू फेस स्कूल। नाउ व्हेन द स्कूल गोज ऑनलाइन, बिल्कुल वर्चुअल चला जाता है, तो फिर वो 70-30 हो जाता है कि 70% पेरेंट हैज टू पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेट, बिकॉज वर्चुअल स्कूल है, डिस्टेंट लर्निंग है, और फिर टीचर पे डिफरेंट परसेंटेज होती है। बच्चों के हवाले से बार बार बात की जाती है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन, जिस तरह कि हमारे ज़माने में स्कूल बैग्स बहुत भारी हो गए थे, और ये बात की जाती थी कि इतना ज़्यादा बच्चों को किया जा रहा है। अब इस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर आपको क्या लगता है, बच्चे ज़्यादा बर्डनाइज तो नहीं हो रहे? देखिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसीलिए होती है कि जहाँ बच्चा उस पूरे कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस से गुजरे, जिसे हम स्टेम कहते हैं, जहाँ बच्चा एनालाइज अपना हाइपोथेसिस के साथ आता है, एनालाइज करता है, उसको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन पूरी प्रोसेस को करके देखता है, देन कम बैक टू द प्रोसेस कि मैंने तो ये सोचा था, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। सो इट्स अ डू रिव्यू अप्लाई, यू नो, इट कीप्स ऑन वर्किंग। बेहतर है, क्योंकि सलमान मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि रिसेंटली मेरी बेटी के मैथ्स के, क्योंकि एग्जाम्स
चल रहे थे सो अब उनको 3D शेप्स करवा रहे हैं क्लास वन सो ऑब्वियसली आई हैव टू मेक द 3D शेप्स घर में एंड आई हैव टू टेल हर कि ओके दिस इज वर्टेक्स दिस इज द एज दिस इज द कॉर्नर दिस इज द सो हमने सीखा एंड देन आगे उनको सिखाया एंड दिस इज मोर कम्फर्टेबल फॉर देम टू लर्न क्योंकि उन्हें नजर आ रही है एक चीज ना हमें किताब पढ़ के वो चीज नजर नहीं आती हाथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उन्हें समझ आ रही है और वो देर पर नॉलेज है जिस जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं कि स्कूल टीचर एंड पेरेंट पार्टनरशिप वेयर द चाइल्ड इज इन सेंटर तो जब हम वर्चुअल लर्निंग में चले गए तो एक्चुअली द पेरेंट्स ऑल्सो गॉट एजुकेटेड दे वर ऑन बोर्ड दे वर वेरी मच इंटरकनेक्टेड दे वर कनेक्टेड टू द चाइल्ड एंड टू द एकेडमिक्स एक्चुअली जो स्कूल उनको दे रहा था एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ हैंड्स ऑन पे यहाँ पे तो देर वॉज दिस जस्ट रिलेटिंग टू यू व्हाट यू जस्ट सेड के एक कॉन्सेप्ट है चेंज अब उसके ऊपर हमारे स्कूल के अंदर ये था कि साइंस के अंदर बच्चों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा चेंज एंड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वाज इन ग्रेड 3 आई गेस जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स अगो एंड अब वी वर जस्ट मॉनिटरिंग के हाउ दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट बिकॉज फॉर मी इट वाज न्यू एंड देन इन सोशल स्टडीज दे वर स्टडिंग अबाउट रेन फॉरेस्ट एंड हाउ रेन फॉल्स एंड ऑल दैट मैथ्स में दे वर स्टडिंग अबाउट मेजरमेंट्स एंड मिलीलीटर कन्वर्टिंग इनटू मिलीमीटर एंड ऑल दैट एंड आर्ट्स में दे वर ड्रॉइंग यू नो अ नेचुरल सीनरी सो व्हाट दे डिड वाज कि हमें ये तो पता था कि रेन साइकिल क्या है बारिश होती है लेकिन उसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये बच्चे देख तो नहीं सकते हम में से कोई भी नहीं वी जस्ट सी के बादल हैं और बारिश होती है सो व्हाट दे डिड वाज कि द टीचर शी जस्ट टू कॉन्क्रीट द कॉन्सेप्ट उन्होंने जिप लॉक बैग लिया शी एडेड सम वाटर इनटू इट एंड ब्लू कलर व्हाट द चिल्ड्रन डिड वाज उन्होंने वहीं आर्ट टीचर के साथ मार्क कर दिया ओके दिस इज लेक फाइन दे जस्ट जिप लॉक दैट बैग एंड दे हंग इट ऑन द फिश वायर आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स और हाफ एन आवर व्हाट दे नोटिस के जो पानी था वो एवेपरेट होकर ऊपर ड्रॉपलेट्स की सूरत में कलेक्ट हो गया वहीं उन्होंने ड्रॉ किया कि दीज आर क्लाउड्स नो दे रियलाइज क्योंकि द वाटर एवेपोरेटेड एंड दे कैन चेंज इन टू क्लाउड्स एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स अगेन दे सॉ कि व्हेन द वाटर कूल डाउन इट अगेन स्टार्टेड टू ड्रॉप बैक नाउ दे ऑल्सो सॉ द प्रोसेस क्योंकि पानी एवेपोरेट हुआ ठंडा हुआ तो बारिश बन गया एंड दे मेड दोज एरोज लेटर ऑन देर इज दिस इज वेयर मैथ्स केम इन उन्होंने मेजरमेंट की क्योंकि दिस इज how much milliliters were collected in that Ziploc bag right. and this is how actually STEM worked ye apne sare analysis is very nice. Crucial thing important thing pura unko water cycle exactly to uska samajh aaya kabhi nahi bhulenge ha wo kabhi nahi dusri baat aapne badi achhi kahi ki mathematics bhi wo jo applied mathematics hai wo sath sath usko wo bhi kare saima bahut shukriya aap aayi aur आप वाकई इंस्पिरेशन है आप जैसे लोग जो कि बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं और हमें वाकई इस तरह के बच्चों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तानी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं अगर उन्हें इस तरह की गाइडलाइन मिले exactly. और वही बात है कि इनसे गपशप लगाते हुए हमें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि हम तो सोच रहे थे कि अभी बहुत सी बातें मजीद करनी है इनके साथ लेकिन वक्त की कमी है थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बहुत अच्छा लगा एक्चुअली हमें ऐसे लोगों की जरूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग मौजूद हैं बहुत ज्यादा है सोसाइटी में काम कर रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं तभी ये हमारी इंस्पायरिंग वुमेन है तो ये थी हमारी इंस्पायरिंग वुमेन लेकिन एक और इंस्पायरिंग स्टोरी भी आपको बतानी है और उसके लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट थम्स अप की तरफ सो जनाब थम्स अप में आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद की एक पुलिस खातून ऑफिसर की जिनका नाम है आमना बेग और इनको बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए नामजद किया गया है और नामजद किया गया है अमरीकी सफारत खाने यानी कि अमेरिकन एम्बेसी की जानब से और बेसिकली 16 डेज ऑफ एक्टिविस्ट अगेंस्ट जेंडर बायस्ड वायलेंस एक कैंपेन है जिस कैंपेन के तहत इनको नामजद किया गया है क्योंकि इन्होंने दिखाया है भरपूर करेज का मुजाहरा किया है बेसिकली खवातीन के हवाले से अमन इंसाफ और बराबरी के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसीलिए इनको बेसिकली नामजद किया गया है वुमेन ऑफ करेज वेरी नाइस और इस मुहिम का जो आगाज है ये 1991 में हुआ था 20वीं सालगिरह इसकी सेलिब्रेट की जा रही थी जिसपे इनको जो है नामजद किया गया और सफारतखाने की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक आज तकरीबन 187 ममालिक में 6000 से ज़ायद तंजीमों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है जिनकी तादाद 300 मिलियन से ज़्यादा है क्या और बात उसमें है? एक पाकिस्तानी
पुलिस ऑफिसर जो हैं इस तरीके से नॉमिनेट की गई, तो हम सब का सर फखर से बुलंद हो गया। और इसलिए आज हम आपको कहने जा रहे हैं आमना देख हमसा, इसी तरीके से परफॉर्म करते रहिए, इसी तरीके से करेजस रहिए, और पाकिस्तान में बिलाशुबा आप जैसी ख्वातीन बेतहाशा हैं, और आप जैसी ख्वातीन की हमें मजीद जरूरत है, और आप जैसी ख्वातीन इंस्पायर करती हैं दूसरी ख्वातीन। ये ख्वातीन पाकिस्तान का असल चेहरा है, सही चेहरा है, खूबसूरत चेहरा है, जो कि करेज की एक नजर आती है, एक ये है करेजियस ख्वातीन, ये है पाकिस्तानी ख्वातीन। इस कदर बेहतरीन अंदाज में किसी भी तरह की जॉब में खुद को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, अपने मुल्क को, ख्वातीन को रिप्रेजेंट कर रही है, अपने मुल्क का लोहा मनवा रही है। एग्जैक्टली, तो जिस तरह भी ख्वातीन जो है इस तरह का काम करेंगी, परफॉर्म करेंगी, तो हमारी थम्स अप स्टोरी का हिस्सा बनेंगी, और हम उन्हें थम्स अप कहेंगे। जैसा आज हम आमना बेग को कह रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मजीद अहम सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सुबह के साथ एक दफ़ा फिर मैं और सलमान आपके सामने हैं, और सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत अच्छी गपशप चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और मुलाकात करवा रहे हैं बेहतरीन लोगों से। सो आप कुछ मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको फैशन की खूबसूरत दुनिया में लिए चलते हैं। सेगमेंट है हमारा फैशन क्रेज़। तो इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसका गहरा ताल्लुक होता है फैशन से। हाँ। क्या चीज ट्रेंड में चल रही है वो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, इसलिए तो हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। और मेरे ख्याल से हर इंसान को फैशनेबल दिखना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फैशन में क्या है ये हम आपको बताएंगे इनसे मुलाकात करवा के। आज हमें ज्वाइन किया है नादिया नबील ने, जो कि फैशन डिजाइनर है, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। Welcome to the morning show, Nadia Nabeel. Thank you so much. कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। नादिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बाकायदा क्या आपने फैशन डिजाइनिंग की तालीम हासिल की, और जब मैं आपके डिजाइन देख रही थी तो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत इंस्पायर की, वो ये थी कि आपने अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को, कल्चरल कलर्स को अपने डिजाइन में बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया हुआ है। सो उस हवाले से बताइए। बिल्कुल बताऊंगी आपको। मैं यूनिक, जो एक वर्ड यूनिक आता है मेरे ब्रांड के साथ, मेरे कलर्स के साथ जो एक नाम दिया जाता है, और सकाफती, जो हमारे सकाफती रंग हैं, कलर्स हैं, वो आपको मेरे ड्रेसेस में, पिक्स में आपको नज़र आ रहे होंगे। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि कलर्स लेने हैं तो फिर नादिया से इसको, नादिया से टच किया जाए, नादिया से रब्ता किया जाए। सो कर रही हूँ आई एम डूइंग हैंड पेंटेड थिंग्स होती हैं। और अगर आप स्टडीज़ की बात कर रही हैं मेरी, तो यस, मैंने एमएफए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया हुआ है मैंने, राइट। और 5 years पहले हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया नादिया नबील डिज़ाइंस के नाम से, तो वी आर डूइंग वर्क ऑन इट। वेरी नाइस। डिज़ाइंस होते हैं आपके ना, उसमें आर्ट वर्क आपका नज़र आता है, तो आर्ट से ताल्लुक है इसीलिए। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी आपकी कि आप हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको दे के आ रही हैं। क्या रिस्पांस आप देखती हैं हमारे ट्रेडिशनल आर्ट को जब आप कपड़ों में लेकर आती हैं? खूबसूरत रिस्पांस। लोग सकाफती चीज़ों को बहुत बहुत पसंद करते हैं, उन रंगों को। हम जितना मर्जी मॉडर्न कट्स उन चीज़ों की तरफ चले जाएं, लेकिन जो अपने रंग हैं अपने कल्चर के, वो लोग नहीं भूलते। वो जैसे ही आप देखते हैं, आप हैं, मैं हूँ, मैं भी अगर हूँ, जहाँ रंग नज़र आते हैं मुझे अपनी सकाफत के, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को टच करती हूँ जाके। बिल्कुल। और एज ए डिज़ाइनर अगर मैं उसको, अगर हम अपने रंगों को प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी सकाफत को नहीं करेंगे, मॉडर्न कट्स दें, पहने ज़रूर करें, लेकिन उसमें टच ज़रूर, मेरे हर लॉन्च में वो कट्स, वो कलर्स आते हैं, वो ऐड होते हैं डेफिनेटली। जी, सही कह रही हैं आप कि वाकई हमारी सकाफती जो कलर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और वो नज़र भी आने चाहिए। तो किस तरह, क्या क्या बेसिकली आप अपने कपड़ों में लेके आती हैं? कोई पेंट्स हैं, कोई एम्ब्रॉयडरीज हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं अपनी सकाफत की जिसको हम, आप प्रमोट कर रही हैं? मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है, हाँ मैं हाथ से चीज़ों को बनाना, चाहे वो मेरे हैंड पेंटेड शर्ट्स हैं, चाहे वो मेरे प्रिंट्स हैं, मेरे डिज़ाइंस हैंड
पेंट होते हैं उसके बाद हम उसको प्रिंटिंग की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट खुद हैंड पेंट करती हैं? बिल्कुल, पिक्स में आप मेरे पेज पे जाएं, वहाँ आपको एक एक चीज़ दिखती भी, मैं करती भी मिलूंगी वहाँ, कि डिज़ाइन पहले पेंट होगा फिर ही प्रिंटिंग की तरफ जाएगा। क्या बात है, और वही बात है कि फिर ही आप जो एक यूनिक चीज़ दिखाना चाहते हैं वो नज़र भी आ रही होती है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग प्रिंटिंग भी है, इस तरह की चीज़ें भी हैं हैंड पेंट। अब जो लोगों का जो हमने करवाया, जो हमने इसका इंट्रोडक्शन करवाया, जो यूनिक एक लव्स लगा मेरी कलेक्शन के साथ लगता है और लोग लगाते हैं कि यूनिक वर्क है तुम्हारा। अब उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो लोगों को हैंड पेंटेड थिंग्स अब मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत पसंद करते हैं। हाथ का जो आर्ट है वो तो पूरी दुनिया के अंदर वैसे मशहूर है, बल्कि बाहर बहुत डिमांड है। और हमारा कल्चर ही ये है, अगर हम अपनी पहचान, हम नॉर्दर्न एरियाज उन जगहों पे चले जाएं, हाँ। किस किस चीज पे वो नहीं कर रहे। तो अभी भी मैं नहीं जाती कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर स्टडीज जरूर हैं लेकिन मैं हाथ से एक स्केचिंग नहीं होती तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। अच्छा, क्या बात है। तो ये एक सही आर्टिस्ट की पहचान भी है कि वो फैशन में भी अपने आर्ट को लेके आई हैं। सो नए फैशन के हवाले से भी बताइए, जिस तरह से आपने नए कट्स के हवाले से बात की, किस तरह से हम फ्यूजन कर सकते हैं अपने आर्ट्स का, अपनी क्राफ्ट्स का और फिर नए काम का। बिल्कुल, डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो, ये नहीं है कि अगर मैं पुरानी उस रवायत या उस चीज़ को लेके चल रही हूँ और मैं कट्स पे नहीं। हर लॉन्च में जो इन होते हैं कलर्स, जो कट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक जोड़ा मैं सेट करती हूँ। अच्छा। जो मेरे जितने मेरे हैंड पेंटेड होंगे उनमें आपको न्यू कट्स ही मिलेंगे हर बार। क्या बात, रंग वही होंगे, कलर्स लगाऊंगी, डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगा, कट्स आपको मिलेंगे न्यू लेकिन टच वही नजर आएगा। क्या बात है, शफाफती कलर नजर आएगा। फैब्रिक का क्या करती हैं, मतलब फैब्रिक का कौन डिसाइड करता है? फैब्रिक हस्बैंड एंड अमी, हम दोनों मिलके करते हैं। एक्चुअली यही हो रहा है कि हम इसको सिर्फ सेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, लोगों तक क्वालिटी भी पहुंचानी है। इस हवाले से भी जो 4 years से हम इस चीज को काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि क्वालिटी मेंटेन करनी है। सिल्क जो मेन एक लॉन्च समर भी करते हैं लेकिन विंटर मेरा जो मेन, उसमें जो कलर्स बहुत खूबसूरती से निकल के आते हैं वो सिल्क की एक लाइन है, रॉ सिल्क, कतान सिल्क, और जितने ये मटेरियल्स भी पाकिस्तानी सिल्क मटेरियल्स हैं। यस, बिल्कुल, वो कलर्स उनके ऊपर आते हैं और लोगों का रिस्पांस ही हमें आगे ले जा रहा है। एक्चुअली उनका खूबसूरत रिस्पांस आता है और नादिया चल पड़ती है नेक्स्ट डिजाइंस बनाने। आप तो उसका मतलब है, यस, आप तो उसका मतलब है कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करती हूं, खुद ही ट्रेंड्स बनाती हैं। ट्रेंड सेटर हैं बेसिकली। तो आजकल क्या ट्रेंड्स आप सर्दियों में लेके आ रही हैं? हम लेके आए हैं बड़े वार्म कलर्स आए हैं मेरे उसमें और बड़े ब्राइट कलर्स आ गए हैं। हमने खूबसूरत अभी ग्रीन एक कलर बड़ा खूबसूरत आया और बहुत लाइक किया जा रहा है। अभी मेरी हैंड पेंटेड कुर्ती है वो मस्टर्ड कलर इज वेरी इन। ब्राउन हम लेके आए हैं, डीप रेड के साथ प्ले किया गया है और ये चीजें चल रही हैं और हम कलर्स कलेक्शन में पर्पल। एग्जैक्टली, और ये अपने हमारे सकाफती रंग है सलमान, जो कि हमें अपने कल्चर में बहुत ज्यादा नजर आता है। तो इंस्पिरेशन क्या है? एक तो आर्ट्स आपकी इंस्पिरेशन है, दूसरी इंस्पिरेशन क्या है, कहाँ से आइडियाज लेती हैं और फिर अपने कपड़ों में उसको उतारती हैं? आइडियाज तो अब हर वक्त, अब मुझसे क्वेश्चन ये करते हैं कि इतना काम क्यों, अकेले कैसे। अब वही आपको बता रही हूँ कि अब नहीं आती, अब चलता है, अब हर वक्त चलता है माइंड कि नेक्स्ट डिजाइन अब क्या बनाना है, नया डिजाइन आ रहा ऐसा है, बिल्कुल चलते फिरते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए वैसे जनरली तो नेचर से ही इंस्पिरेशन, नेचर इंस्पिरेशन मेरी, बिल्कुल मैं इस बात को नहीं भूलूंगी। आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बता दी कि ये क्वेश्चन भी आता है, नेचर इंस्पायर्ड हूँ मैं मेरे, अगर आप मेकअप्स, क्रिएटिव मेकअप्स भी होते हैं, मेरे डिज़ाइंस में नेचर कलर्स नज़र आएंगे आपको, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखेगी, फ्लोरल डिज़ाइंस हैं, बर्डी डिज़ाइंस हैं और मोटिव्स जितने मैं लेती हूँ वो कलर्स ये। एक्जैक्टली, पीकॉक मैंने बहुत देखा है आपके डिज़ाइंस में, एलिफेंट बहुत देखा है, दीज आर दोज ब्यूटीफुल थिंग्स एनिमल्स जो कि आपके, आप एक तो सकाफत का हिस्सा है, ऐसा है। फिर वही बात है कि रंग है उसमें, बिल्कुल, और फिर आप उसे इन्फ्यूज कर रहे हैं बना उसके। अगर मैं अगर पीकॉक नहीं भी बना पाती तो मैं उसके सारे कलर्स पकड़ के और मैं सारा अपने डिजाइन के अंदर उसको और आप तो एक डिफरेंट चीज लेके आ रही है उसमें प्रिंट करते हैं और वो लैंडस्केप्स तक जो है वो प्रिंट कर रहे हैं या हैंडमेड जो आपकी अंदरून लाहौर की कोई जगह है गली और उसको ऐसी भी कुछ चीज बिल्कुल है। पूरा एक ब्राइडल, पूरा एक ड्रेस है मेरा जो मैंने, जो हमारा फोर्ट है
उसका वो प्रॉपर मैंने उसको पहले पेंट किया और फिर मैं उसको प्रिंटिंग की तरफ ले गई और वो मेरा पूरा एक प्रॉपर ड्रेस है वो मैंने बनाया हुआ। क्या बात है, क्या बात है, हम डेफिनेटली देखना भी चाहेंगे वो ड्रेस को, बल्कि दिखा भी रहे होंगे। मुझे ये जरूर बताइएगा कि इतनी एनर्जी, इतना पैशन, ये सब कहाँ से लेके आती है, क्योंकि इतना काम आप कर रही हैं, कोई टीम है, कितने लोग आपके साथ हैं, किस तरह से इस ब्रांड को लेके जा रही हैं आगे? आप यकीन इस बात का कर लें कि अभी देयर इज नो टीम, नो वे, देयर इज नो टीम, देयर इज नो टीम, यस 100% वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी, वन मैन, और पीछे एक मेरे मैन, मेरे हस्बैंड हैं। क्या बात है, अभी चल रहे हैं, चला रहे हैं, अभी इसी तरह से हो रहा है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल सी। बट ये है कि अभी हर चीज को लेके खुद से, आप अपने हाथ का काम एक्चुअली, आपका क्वेश्चन का जवाब, बिल्कुल मैं लिखती होती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के नीचे कि माय वर्क इज माय पैशन। क्या बात है, हाँ। सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, हाँ। वो पैशनेटली करती हूँ तो वो चलता चला जाता है और वो होता चला जाता है। अच्छा, आजकल हम देखें तो वेस्टर्नाइज्ड क्लोथिंग भी बहुत ज्यादा इन हो रही है और अब तो कुछ लोग फ्यूजन कर रहे हैं, हाँ। तो आप भी क्या कुछ टाइप का प्लान कर रही हैं फ्यूजन करने का? फ्यूजन भी करती हूँ, वो प्ले भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पुराना वर्क है चल रहा है। जीन्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैकेट के ऊपर ये हैंड पेंटेड चल रहे हैं, बैग्स के ऊपर पेंट कर रही हूँ, एम्बेलिशमेंट के साथ आ रहे हैं, शूज पे आ रहे हैं। तो देखा है कि बकायदा जो है बड़े बड़े जो फॉरेनर ब्रांड्स हैं वो हमारे जो ट्रक आर्ट है उसको जैकेट्स, हाँ। पे, या हमारी जो सिंधी अदरक है, तो आप सही कह रही हैं, ये भी एक बड़ा ट्रेंडी हुआ है। बस ये नादिया के नाम के साथ ये अभी एक वर्ड आ गया कि जिस तरह शूज और बैग्स मैंने पेंट करना शुरू किए कोई नहीं कर रहा अभी। अच्छा। और ड्रेसेस के ऊपर तो चले एक हो रहा था, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, चल रहे थे, लेकिन ये डिफरेंट लाइन अब जो मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दी है कि मैं शूज के ऊपर बैग्स के ऊपर प्रॉपरली लेके कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स लेके। क्या बात है, बेहतरीन बात है। तो मुझे ये बताइए कि लोगों को भी सिखा रही हैं अपने साथ, जो अगर कोई टीम है उनको सिखाती हैं, आइडियाज को आगे बढ़ाने का कितना ख्याल है कि मैंने इन फ्यूचर, ये इन फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा। कि इसको अगर मुझे करना पड़ा और मुझे लोग इंटरेस्टेड होंगे, बच्चे स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली मैं इसको ज़रूर बताऊंगी। मैंने वर्कशॉप्स की हुई हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स में वर्कशॉप्स दी थी उनको एक, और उसको एक्सपीरियंस मैंने गेन किया था, बट इन फ्यूचर अगर सीरियसली इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तान में बड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी है, हम चंद सौ किलोमीटर बाद सकाफत चेंज है, मुल्तान के अलग है, सिंध की अलग है, लाहौर की अलग है, फिर आप चले जाएं केपी के, और फिर उसमें कैलाश वैली सब, तो किसके ज़्यादा आप अपने आप को करीब देखती हैं, किससे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हैं, और क्या ट्रैवल भी करती हैं ज़्यादा के नए नए आइडियाज़? ट्रैवलिंग भी कुछ जो चीज़ें जो जगहें पसंद हैं डेफिनेटली मैं उनको टच करती हूँ जाके, उनको रिव्यू, उनको देखती हूँ, उनके कलर्स, थर के इलाके की जो रली है, क्या बात, मैं 16 years back, 16 साल से पेंट कर रही थी। अच्छा। और कर रही हूँ, मेरी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स पे ही मुझे ख्याल आया कि जब मैं कपड़ों की तरफ इस रली को लेके आऊँ, अपने उसी प्रिंट को जो पेंटिंग में ड्रेसेस बना रही हूँ मैं अपने फिगर के, तो उन्हीं कलर्स को वो रली पेंट होती है, उधर से ही वो कलर्स में इंस्पिरेशन तो पूरी है, और उनको लाके मैं अपने प्रिंट में भी रली, हमारा प्रॉपर एक ड्रेसिंग एक लाइन है जो रली के प्रिंट होते हैं। क्या बात है, दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले भी कुछ डिजाइनर्स ने बात की है जो थर की स्पेशलिटी है, वहाँ पे बेडशीट्स यूज होती हैं, बहुत सी चीजें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे डिजाइनर्स, हमारे लोग अपनी सकाफत को नहीं भूले, अपनी सकाफत को जरूर कहीं ना कहीं लेके आए, यहाँ पे यही सबसे खूबसूरत लगता है। थैंक यू सो मच नादिया, आप यहाँ पे आई और आपने खुद भी बहुत अच्छी कपड़े पहने हैं, आई एम श्योर ये आपका अपना ही डिजाइन है, और मेरे ख्याल से सबके लिए देख सकते हैं, वाकई ये पेंट हुए हैं और इसमें बड़े बड़े खूबसूरत पाकिस्तान वाकई इतना खूबसूरत है। और जिस तरह की नादिया बताई थी कि अब वो दौर, अब जो नया फैशन आ रहा है वो हैंडमेड चीजों का है, लोगों को वाकई कदर हो रही है इस मशीनी दौर के अंदर के जो हाथ से बनी हुई चीज है उसका कोई जो है नेमुल बदल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में तो लोग पसंद करते हैं, दुनिया भर में बहुत तेजी से पसंद किए जा रहे हैं, और नादिया जैसी जो आप कह रही यूनिक आइडियाज लेके आने वाली टैलेंटेड फैशन डिजाइनर्स हैं, अपना और पाकिस्तान का नाम इससे रोशन कर रही हैं। तो ये थी हमारी गेस्ट, ये था हमारा सेगमेंट फैशन क्रेज, आपने जाना होगा आज के ट्रेंडी फैशन के हवाले से। यहाँ पर आप हमें लिए एक ब्रेक, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि मजीद अहम सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सो हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हस्ती मुस्कुराती सुबह के साथ एक दफ़ा फिर मैं और सलमान आपके सामने हैं. बहुत अच्छी बातें चल रही थी, खूब गपशप हुई, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की और अब वक्त होता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन का जिससे आपका ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरा ताल्लुक है, और वो है शॉपिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कौन से ब्रांड पर कितनी सेल लगी है. तो इसके लिए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की तरफ. अब बैटल ऑफ ब्रांड्स में हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसका मेरे ख्याल से सभी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं. आप सीधा उस ब्रांड पे जा सकते हैं जो बहुत अच्छी सेल ऑफर कर रहा है और वहां से ना सिर्फ शॉपिंग करते हैं बल्कि डिस्काउंट्स भी हासिल करते हैं. तो आज का पहला ब्रांड जिसके हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सब ने उसके जूते जरूर पहने होंगे कभी ना कभी, बचपन से लेकर बड़े होने तक. और वो ब्रांड है बाटा. बाटा पे चल रही है 12/12 सेल, जिस तरह की 11/11 चली थी नवंबर के अंदर, अभी दिसंबर में 12/12 सेल आ गई है. और बाटा के हवाले से हमने आपको पहले बताया है कि बाटा पे हर किस्म के जूते मिलते हैं और जब आप जूते खरीदने जाएं तो उस पर 25% ऑफ भी मिलेगा. तो मैन फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो, या आपके जॉगर्स हो, इसी तरह ख्वातीन के हों या बच्चों के हों, हर एज ग्रुप के जूते आपको जो है बाटा से मिलेंगे. बिल्कुल. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1000+ डिजाइन्स पर आपको 25% ऑफ मिल रहा है, यानी कि हर आर्टिकल पे ऑफ मिल रहा है. तो ये बड़ी बेहतरीन बात है और साथ ही बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं तो टिपी टोज पर चल रही है अप टू 70% ऑफ एंड दिस इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर. और बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, बहुत अच्छा मटीरियल होता है, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल छोटे बेबीज से लेकर आपको मिल जाते हैं. 7 to 8 years तक के बच्चों के यहाँ पे कपड़े मिलते हैं. दे आर वेरी क्लासी, वेरी ट्रेंडी. और आपको पता है कि अब तो बच्चों का फैशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सलमान बढ़ता जा रहा है. और उसमें न सिर्फ आपको कि कैजुअल चाहिए, आपको फॉर्मल भी मिल जाते हैं, आपको शूज़ की वैरायटी भी मिल जाती है. तो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट टिपी टोज कि यहाँ पर बहुत से अच्छे जोड़े जो हैं वो मिल रहे हैं. बिल्कुल, आपने सही कहा कि आजकल बच्चों का फैशन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में. अब तो बाकायदा आप देखिए कि जो फैशन शोज हो रहे हैं उनमें उनसे कैटवॉक भी करवाई जाती है जनाब, क्योंकि बच्चे हर तरह के कपड़े पहनते हैं. तो आप अपने बच्चों की अच्छी सी ड्रेसिंग करवा सकते हैं. टिपीटोस पे जाइए, जाके इस सेल से फायदा उठाइए. लेकिन इस सब चीज़ों से ज़्यादा अहम चीज़ है सेहत. और सेहत अगर आपकी अच्छी ना हो तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती. इसलिए तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ. हाँ जी. और सेहत किस तरह ठीक हो सकती है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं हम आपको अपने अगले सेगमेंट पे जो है हेल्थ एंड फिटनेस. सो जनाब सलमान ने जिस तरह से कहा कि हम आपको टिप्स देते हैं कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और ये सेगमेंट बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं. हर शख्स से उनकी जो एक स्पेशलिटी है उसके मुताबिक हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत सूदमंद होते हैं. सो आज हमें ज्वाइन किया है खुशबख्त खान ने, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इलाज बताती हैं ग़िज़ा से. इन्होंने एमएससी किया न्यूट्रिशन में और बहुत से इदारों के साथ काम भी कर रही हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं. वेलकम करते हैं खुशबख्त खान को. खुशबख्त, वेलकम टू द मॉर्निंग शो. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. कैसी हैं खुशबख्त आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा खुशबख्त, आप माशाल्लाह एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हैं. आजकल तो हर हॉस्पिटल में भी डाइटिशियन को रखा जा रहा है ताकि फूड के जरिए जो है इलाज किया जाए या फूड का ज्यादा फायदा लिया जाए. आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई फूड के जरिए हम इलाज कर सकते हैं? आजकल इलाज बिल गिज़ा की बहुत बात हो रही. हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि फूड अगर हम एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है. लेकिन अगर हम इसको बेसिकली हम इस फ्रेज को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं. हम समझते हैं कि अगर हम सिर्फ अपनी खुराक ही अच्छी करके अपनी हर बीमारी को ट्रीट कर लें तो ये भी पॉसिबल नहीं है. फूड आपका मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली अगर आप एक अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं, हेल्दी फूड चॉइसेस हैं आपकी, तो आप जो है उसको प्रिवेंशन स्टेज पर आप उसको रोक सकते हैं.
मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेट पे पढ़ा कि अभी कि आप कैंसर को जो है ना अपनी सिर्फ अपनी खुराक अच्छी करके आप उससे, और उन्होंने कैप्शन इस तरह के दिए होते हैं कि आप कीमो से बच सकते हैं, बाकी दवाइयों से बच सकते हैं अगर आप अपनी खुराक में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें. नो डाउट फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने में. हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम किसी भी डिजीज़ से अच्छे तरीके से फाइट कर सकेगी हमारी बॉडी. लेकिन लोग इसको मिसकंसेप्शन ये है कि लोग इसको ये समझ लेते हैं कि आप सिर्फ खुराक से ही अपना इलाज कर लें. मेडिसिन का ऑल्टरनेट नहीं है. जितनी इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी मेडिसिन भी है. तो हम इसको मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते कि सिर्फ यू कैन ट्रीट कैंसर या कोई ऐसी बड़ी बीमारी के आप सिर्फ उसको फूड से ट्रीट कर सकते हैं. सो ये मिसकंसेप्शंस भी बात की आप ठीक कहने के मौजूद है. अच्छा, कुछ ऐसा भी हमने देखा है मिसकंसेप्शंस होते हैं कि लोग अपनी मेडिसिन को समटाइम्स किसी एक खास दूध के साथ या जूस के साथ किसी एक खास गिजा के साथ लेते हैं कि शायद ज्यादा इफेक्टिव होगी. ये भी ठीक है या ये भी मिथ है? नहीं, ये भी मिथ है, बल्कि इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है कि अगर आप कोई भी अपनी मेडिसिन किसी फूड के साथ लेते हैं, फूड ग्रेप फ्रूट फूड जूसेस वगैरह के साथ अक्सर लोग ले लेते हैं क्योंकि उन्हें होता है कि पानी ही नहीं है तो अल्टरनेट कोई भी आप फ्लूइड हो तो आप समझते हैं ज्यादा हेल्दी चीज है तो इसका ज्यादा फायदा होता है. हाँ, आप दूध के साथ ले लें, लेकिन ये इसका ऑपोजिट है. बल्कि हमारा फूड भी जो है हमारा इंटरेक्ट करता है मेडिसिन के साथ, उनकी इफेक्टिवनेस को असर को कम या ज्यादा कर देता है आपकी बॉडी में. कोई मेडिसिन ज्यादा देर आपकी बॉडी में रहती है उसका असर ज्यादा हो जाता है तो उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो और इसीलिए मेरे ख्याल से अब इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि डाइटिशियन जो है ना वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए ताकि अगर आपको ये मर्ज है तो आप ये खुराक खाएं और उसके साथ अगर दवाई खाएंगे तो आपकी दवाई आपकी बॉडी को ज्यादा फायदा और आप ज्यादा जल्दी हील करेंगे. मतलब आप ज्यादा जल्दी किसी भी बीमारी से रिकवर करेंगे अगर आपकी डाइट भी आपकी मेडिसिन के साथ साथ अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी मॉडिफाई करेंगे. अच्छा, मेडिसिन भी मेडिसिन से समटाइम्स ऐसा इंटरेक्ट करती हैं कि वो एक दूसरे को नुकसान दे रही होती है. सो उसके हवाले से भी क्या प्रॉपर गाइडलाइंस होती है? हाँ, नहीं, ये थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों को फिर भी होती है. वो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेते हैं कि हम दो मेडिसिन ले रहे हैं. इस चीज की तो फिर भी लोगों को अवेयरनेस है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या ये आपस में इनका रिएक्शन तो नहीं होगा या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा. लेकिन फूड, क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि बीइंग नेचुरल ऑल फूड्स आर सेफ, कि आप कुछ भी खा लें मेडिसिन के साथ तो उसका वो नेचुरल चीज़ है वो थोड़ी इंटरैक्ट करेगी. ये एक मिसकंसेप्शन है, ये भी गलत वो मिथ है. क्योंकि आपके कॉमन फूड, अगर मैं आपको बताऊँ कॉमन फूड और मेडिसिन की जो इंटरेक्शन होते हैं, जो आपका ग्रेप फ्रूट जूस है जो कि एक बड़ी हेल्दी फूड है जिसको हम लोग पता विटामिन सी रिच होता है, न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा होते हैं, कैलोरीज उसकी कम होती हैं, तो लोग ये समझते हैं कि एक बड़ी हेल्दी ऑप्शन है अगर हम मेडिसिन इसके साथ ले लें. हालांकि ये आपकी बॉडी में जो है आपकी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा कर देता है कि आपकी बॉडी में ड्रग ज्यादा देर के लिए रहता है. टू मच ड्रग इन योर बॉडी, इस तरह आप उसको कह सकते हैं. तो इसके और इस ग्रेपफ्रूट जूस जो है आपका, क्योंकि एंटी अरिथमिक पेशेंट्स जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जो बीमारी लेते हैं उनकी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करता है. लोअर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो होती हैं आपकी स्टैटिन उनके साथ इंटरेक्ट करता है. आपकी बीटा ब्लॉकर्स जो आपके हाइपरटेंशन, हर घर में आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं जो मेडिसिन ले रहे होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है. और जो है आपकी डिफरेंट एंटी एंजाइटी और डिफरेंट मेडिसिन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं. तो इसलिए न्यूट्रिशनल गाइडलाइन ये कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आप या तो ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल उससे 2-3 घंटे पहले करें या उससे 2-3 घंटे बाद करें. सो ये बहुत ही बेहतरीन हमारी जो मिथ थी एक्चुअली वो क्लियर हुई है कि अगर आप किसी भी तरह का एंटी डिप्रेसेंट या वही बात है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपने कोई भी जूस उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना. अच्छा, एक और चीज़ बड़ी हमने देखी है ईटिंग डिसऑर्डर्स के हवाले से हम अगर बात कर लेते हैं कि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एंजाइटी में या डिप्रेशन में भूख ज़्यादा लगने लगती है, वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं. या आपके साइकोलॉजी जो है किसी भी इंसान की, उसका ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ कोई होता है इंटरेक्शन? जी जी बिल्कुल. ऐसे आपके साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं आपकी ईटिंग हैबिट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. और जो मोस्ट कॉमन, अगर अभी हम जो डिस्कस करें कि अगर देखा जाए जो ज़्यादा कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है वो एक एनोरेक्सिया और एक बुलिमिया, ये दो बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं. इनमें बंदे को लगता है कि वो मोटा हो रहा है एनोरेक्सिया में, तो वो स्टार्वेशन स्टेट में रहते हैं, वो सारा दिन कुछ नहीं खाते, भूखा रहते हैं और उन्हें होता है कि वो मोटे ना हो जाएं. और वो कुछ नहीं भी खा रहे होते तो उन्हें, अगर वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो एक इस तरह का उनका मेंटल स्टेट इस तरह का होता है कि वो उन्हें लगता है कि वो मोटे हो रहे हैं, तो वो जिस वजह से वो अपनी डाइट पूरी नहीं लेते, तो पुअर न्यूट्रिशन और उनको उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती. डेफिनेटली वो स्टार्वेशन स्टेट में होते हैं तो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो आपको फूड से आपने अपनी न्यूट्रिएंट्स पूरी करनी होती है वो नहीं मिलती. ये जो क्रेविंग्स हैं ये इनको किस तरह किया जाए? जो हमें मिडनाइट क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं रात के टाइम. और ये तो चलिए, आपने तो ये बकायदा जो आपने नाम लिया ईटिंग डिसऑर्डर्स का, एनोरेक्सिया और
बुलिमिया में मैं आपको भी बताने लगी थी कि बुलिमिया में ये होता है कि उसका ऑपोजिट होता है, वो ओवर ईट कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं एक सिटिंग में, फिर वो गिल्ट फीलिंग में आ जाते हैं, उन्हें होता है कि इसको किसी तरह बाहर एक्सक्रीट करना है बॉडी से, वो या तो वॉमिट कर लेते हैं या फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं कोई और तरीके से जो उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा जो ओबीज लोग होते हैं उनमें भी ये मसला होता है, वो डिप्रेस होते हैं, ज्यादा खाते हैं और जंक खाते हैं। हाँ, लेकिन वही बात है कि ये तो स्पेसिफिक हो गए ना कि दो मेन सीरियस डिसऑर्डर्स हैं। हमने रूटीन में देखा कुछ लोगों को वैसे ही भूख, हाँ जी, अक्सर लोग होते हैं जिनकी स्ट्रेस में भूख कम हो जाती है और कुछ की ज्यादा हो जाती है, उसमें ऐसे आप ये है कि कोई हेल्दी ऑल्टरनेट ले लें, आप जंक फूड ना खाएं, आप नट्स ले लें या कुछ इस तरह का थोड़ा बहुत च्यू कर लें, कोई फ्रूट्स वगैरह ले लें, कोई अच्छी हेल्दी फूड चॉइसेस में से सेलेक्ट कर लें। सही, अगर क्रेविंग्स हो रही है तो कुछ अच्छा खा लें, हेल्दी खा लें, बड़ा फूड खा लें। मैंने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी कि आप कोकोनट के स्लाइसेस रखें, अगर वो होता है ना, हम तो चिप्स लेते हैं या बिस्किट से लेते हैं, उस बेकरी स्टफ की बजाय वही बात है कि हेल्दी उसकी तरफ। अच्छा, ये बताइए खुशबा कि जैसा अभी आपने बताया कि किसी भी बीमारी में अगर आप खास किस्म की डाइट ले रहे होंगे तो आप जल्दी आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, रिकवर कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से फ्लू, गला खराब होना, ये ऐसी बीमारियाँ जो एंडेमिक हैं, पूरा साल ही रहती हैं लोगों को। जनरली क्या मतलब वो लोग किस तरह की डाइट लें जिससे वो इनसे बच सके, कहा भी जाता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। देखिए, कोई भी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले ये कि आप बैलेंस्ड और एक हेल्दी डाइट लें, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप जो है कोई बीमारी आती भी है तो वो जल्दी आप उससे रिकवर करेंगे। वो आपके बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें डिजीज फाइटिंग बेनिफिट्स होते हैं। आप गले के लिए, और उसके लिए जिंजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट फूड है, और यह कि अगर गला ख़राब हो रहा है तो आप उसका कहवा बना लें जिंजर, या सिनेमन टी आप यूज़ कर लें, और इस तरह की चीज़ों का आप मतलब वो कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे घर में किचन में मौजूद होती हैं। लेकिन सलमान, मैंने ये भी सुना है कि जिंजर जो है वो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो गर्म होता है। सो इज इट सो कि क्या जो ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट्स हैं वो क्या इस तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम रूटीन में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये खा लें? मॉडरेट अमाउंट में हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों को अगर कोई चीज़ पता चल जाए ये हेल्दी है तो हम उसको मिस यूज करना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसको मिस यूज करते हैं, इवन हेल्दी चीज़ भी जब आप ज्यादा अमाउंट में लेंगे जितनी उसकी रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी को, तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसा कि हम क्या करते हैं सर्दियों में, ज्यादा नट्स खाना शुरू हो जाते हैं, जबकि हैंडफुल ऑफ नट्स इज इनफ। अच्छा, एक और चीज, हम पीसीओएस के हवाले से आजकल बहुत बात करते हैं, हम देखते हैं खवातीन में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सो क्या हम अपनी डाइट को ऐसा, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी गजा में जो हम लें जिससे हमारे ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़े हल जी? बिल्कुल, हमें डाइट को अपनी इम्प्रूव करना चाहिए। और PCOS में ना आपको डायबिटीज होने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। सही। तो इसीलिए PCOS में हमेशा कहते हैं कि खास आप जो डायबिटीज वाले परहेज है ना, कि आप गुड कार्ब्स की सिलेक्शन करें, आप लो ग्लाइसेमिक फूड लें, ठीक है। आप बाकी तो आपने एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेनी है। आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें, और वेट ज्यादा होता है PCOS में आपका औरतों का तेजी से, तो उसमें आप फिजिकली एक्टिव रहें। तो नॉर्मली औरतों का ये होता है माइंड में कि अगर आप पूछें कि मैं आपसे पूछूं आप फिजिकली एक्टिव हैं, तो आपके मैं तो घर के सारे काम खुद ही करती हूं, तो ये फिजिकली एक्टिव नहीं है आप। ये हम लोगों के लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल हैं। मैं और आप सोफे पे बैठे हैं, हम यहाँ से उठ के गाड़ी में चले जाएंगे और गाड़ी से हम अपने घर जाके सोफे और बेड पे बैठ जाएंगे, तो इस ये फिजिकली एक्टिव नहीं है कि आप अपने घर के काम करें। फिजिकली एक्टिविटी का मतलब है कि आप 30-40 मिनट्स या तो वॉक करें या किसी और फिजिकली एक्सरसाइज में आप वर्कआउट दैट इज इंपॉर्टेंट। वही सालन पकाना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप बना रहे हैं, हम सब बनाते हैं, जरूरी भी है, लेकिन उसके अलावा अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा डिप्रेशन, ये तमाम तरह वो चीजें हैं जो कि हर घर में संभव मौजूद है, वही एंडेमिक्स बन चुके हैं। ये बन चुके हैं। अच्छा, इसमें इसकी एक तो ये है कि क्योंकि हमारी डाइट जो है ना पुअर डाइट है, अब हम लोगों की फूड चॉइसेस, हम लोगों का लाइफ स्टाइल ओवरऑल जो है ना बहुत इस तरह पुअर हो गया, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। हम लोगों के स्लीपिंग टाइम्स सारे, हम लोगों के जो स्लीपिंग टाइम है वो इस तरह का है कि सोते गलत। कोरोना पिछले दिनों गुजरा है तो सब लोगों की रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब होगी। हम लोग लेट सोते हैं, हम लोग लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, लेट उठते हैं तो जो हमारा सबसे मेन मील होता है डे का, ब्रेकफास्ट, नॉर्मली लोग या तो स्किप कर देते हैं। अगर रूटीन में भी हो तो हमें ऑफिस जल्दी जाना है या स्कूल जल्दी पहुंचना है, तो हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। तो आप अगर अपनी डाइट अच्छी, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो आपको प्रिवेंट करती है सारी चीजों से। आप डिप्रेशन में तभी जाते हैं जब आपकी फूड चॉइसेस पुअर होती हैं। आप नाश्ता इज रियली इंपॉर्टेंट, हर शख्स नाश्ते पे जोर देता है कि नाश्ता जरूरी। बड़ी इन्होंने अच्छी बात की कि डिप्रेशन, जब आप फिजिकली फिट नहीं होते तो फिर मेंटली भी आप फिट नहीं रहते। अच्छा, ये बताइए, सर्दियां हैं और अब
अनफॉर्चुनेटली अभी तो खुश सर्दियाँ चल रही हैं, लाहौर में अभी तक बारिश नहीं हुई, कुछ इलाकों में हुई, स्मॉग भी हुई, इसमें क्या डाइट आपका होना चाहिए चार्ट कि किस तरीके से हम इन सर्दियों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं? हाँ, इसमें आप एग तो ज़रूर लें, क्योंकि एग से रिलेटेड भी डिफरेंट मेथ्स होते हैं कि एग के अंदर जो है आप ना हार्ट पेशेंट्स ना लें, या वो ये मेथ्स सब सारे ख़त्म हो चुके हैं। एक बड़ा एक हेल्दी फूड है, आप बॉयल्ड एग लें ज़रूर मॉर्निंग में ले लें या इवनिंग में ले लें किसी टाइम में। डेट्स का इस्तेमाल करें, हैंडफुल ऑफ नट्स विंटर में, ठीक है, आप नट्स ज़रूर लें। और आप सूप्स ब्रॉथ ले, यखनी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन ब्रॉथ वगैरह ले सकते हैं, सूप्स बना सकते हैं डिफरेंट। और शाम के वक्त ये है कि वार्म मिल्क विद हनी आप लोग ले लें, बच्चों को भी दे सकते हैं, ख़ुद भी ले सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप अपनी डाइट रखें कि जिसमें आप हेल्दी फूड चॉइसेस रखें, सिंपल डाइट रखें और सब चीज़ें आप सारी जी बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट लें, सारे फूड ग्रुप्स को टच करें, मतलब आप फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लें, और हाँ नट्स भी लें, लेकिन एक कंट्रोल्ड अमाउंट में लें। हम लोग उसकी हम लोगों के पोर्शन साइज असल में ज़रा हम लोग को आइडिया नहीं होते, ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से वो हमारे लिए जो है नुकसानदेह हो जाती है। वही हेल्दी चीज़ें, वही मैंने बताया कि अगर आप उसको मिस यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए वही हेल्दी चीज़ें नुकसान। और जैसे कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसा कि खुशबख्त ने कहा कि आप अगर अच्छी चीज़ भी ज़्यादा खा लेंगे, अच्छी चीज़ की ज़्यादती आपको फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान ही देगी। तो हमें इस बारे में बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप आई, आपने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हमें। और जिस तरह कि हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। अगर हम थोड़ा सा परहेज कर लें, थोड़ा सा अपने आप को काबू कर लें, ये जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं उसका भी आज एक हल हमने कहा कि उसके लिए हेल्दी चीज़ें जो है हम लेना शुरू कर दें, तो हम एक बड़ी अच्छी बैलेंस्ड लाइफ गुजार सकते हैं, फिजिकली भी हेल्दी रह सकते हैं और मेंटली भी हेल्दी। बिल्कुल सलमान, आप ठीक कह रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये सेगमेंट पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, हेल्थ एंड फिटनेस। उसकी वजह ये है कि बहुत से इतने अच्छे टिप्स मिलते हैं कि अगर हम छोटी 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 चीज़ें भी अपनी रूटीन में, लाइफ में इन्हें इंक्लूड करना शुरू करते हैं, तो हम एक्चुअली एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। और ये था हमारा सेगमेंट, और भी बहुत कुछ है शो में, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाना है, तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। After the break, खूबसूरत segments, खूबसूरत लोग, हंसती मुस्कुराती सुबह का सिलसिला जारी है, और बेहतरीन गपशप लग रही थी, बेहतरीन segments आपको दिखाए, बेहतरीन लोगों से मिलवाया और बहुत से अच्छे अच्छे tips भी आपको दिए। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन talent से आपको मिलवाते हैं। segment है हमारा Got Talent। तो आज के गॉट टैलेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक उभरते हुए नौजवान गुलूकार से, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जहां अगर बात करें पाकिस्तानी गुलूकारों की, पाकिस्तानी मौसीकारों की, तो पूरी दुनिया में अपना एक मकाम रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो नौजवान नस्ल है वो हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसको ज़रूर फॉलो करें। आज भी जिस म्यूज़िशियन से, जिस सिंगर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, सूफ़ी म्यूज़िक में ख़ास तौर पर वो परफॉर्म करते हैं, उस यॉनरा को लेकर चल रहे हैं, और ये भी पाकिस्तान का ही खासा है, सूफ़ी म्यूज़िक पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ जी। तो मुलाकात करवाते हैं, आज हमें ज्वाइन किया है तहसीन साजिद ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि कब से आपने मौसीकी का बकायदा आगाज किया, इसको गा रहे हैं शौक के तौर पे? शौक तो बचपन से ही था, बचपन से मैं म्यूजिक में हूँ, लेकिन प्रोफेशनली 4 साल हो गए मुझे। अच्छा, गाना गाते हो तो जिस तरीके से एक गुलूकार के साथ एक अच्छा सा म्यूजिशियन होना चाहिए, जो मतलब आप कह लीजिए कि उसकी गुलूकारी में तड़का लगाता है, ऐसे ही है। इनके साथ भी एक गिटारिस्ट हैं जो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, और जब वो गिटार बजाते हैं और ये गाते हैं तो फिर कहते हैं ना वो सोने पे सुहागा हो जाता है, ऐसे ही। तो हम मुलाकात करवाते हैं इनके गिटारिस्ट से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सर, कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ग्रेट। सो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हम एक्चुअली देखेंगे कि 4 साल से जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये गा रहे हैं, अच्छा म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या सुनाते हैं आज आप?
पहले मैं आपको राहत फतेह अली खान जी का एक सॉन्ग सुनाऊंगा, जरूरी था। वाह, वेरी नाइस। जी जरूरी था, ये भी जरूरी। हां जी मैंने बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कला करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और राहत फतेह अली खान को गाना बहुत मुश्किल काम है, और वो नजर आ रहा था कि आपने जो रियाज किया है उन आपकी परफॉर्मेंस में नजर आ रहा था। वैसे कितनी देर रियाज करने के बाद बंदा इस जगह तक पहुंचता है? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत किसी जगह पे हूँ, लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं है, लेकिन रियाजत जो है ये तो आपकी सारी जिंदगी आप करते रहेंगे। जब आप गाने से उस्ताद जो होते हैं ना, उस्ताद लोग, वो हमें ये कहते हैं कि गाने से आप एक कदम पीछे हटोगे ना तो ये आपसे 10 कदम पीछे हट जाएगा, और आप 2 कदम इसकी तरफ बढ़ाएंगे तो ये 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। जी डेली रियाजत बहुत जरूरी है। रियाजत जिस मतलब रियाजत नहीं है तो बड़े से बड़ा सिंगर भी कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप, रियाजत एक्चुअली बहुत जरूरी है। तो ये बताइए कि ये तो आपने सुनाया हमें कलाम जो कि राहत फतेह अली खान का, कुछ सूफी जिस तरह से आप बात करते हैं कि आप सूफी कलाम आपकी जॉनरा है मेन, तो उसमें कुछ हमें सुनाइए। ठीक है, मैं एक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ कलाम या हयू या कयूम वो सुनाऊंगा, और उसके साथ एक हमारी एक बहुत बड़ी सूफी सिंगर हैं आबदा परवीन जी, उनका एक मिक्सचर, मतलब दोनों क्या बात है, खूबसूरत मेडले होने वाला जी, मेडले टाइप हो जाएगा ना वो जरूर। या हयू या कयूम, या हयू या कयूम, या हयू या कयूम, या हयू या कयूम, या रहीम या रहमान, या आदिल या दयान, या रहीम या रहमान, या आदिल या दयान, या हाफिज या सत्तार, या वाहिद या गफार, या हाफिज या सत्तार, या वाहिद या गफार, या मालिक या रज़ाक, तू खालिक हर खल्लाक, हर राज तुझे मालूम, हर राज तुझे मालूम, या हय्यू या कय्यूम, 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 मही यार दी गड़ोली बरदी, सुने यार दी गड़ोली बरदी, मही यार दी गड़ोली बरदी, सुने यार दी गड़ोली बरदी, इक अल्लाह कोलो मैं डरदी, इक मौला कोलो मैं डरदी, हां मही यार दी गड़ोली बरदी, सुने यार दी गड़ोली बरदी। वाओ, फैंटास्टिक। और आपने एक अलग ही टेम्पो बना दिया, पैशन है बेसिकली आवाज में, और दूसरा कहते हैं ना कि एनर्जी है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मैंने वही बात की ना कि एक सूफी म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको एक अलग जगह ले जाती है, एक अलग दुनिया में ले जाती, और जिस दुनिया में आप ले गए हम चाह रहे हैं कि अभी वहां से ना आए, तो आप इसके लिए हमें कुछ और सुनाएं। काजी मुल्ला मत्ती दे दे, काजी मुल्ला मत्ती दे दे, खरे सियाने राह तके दे, खरे सियाने राह तके दे, इश्क की लगे राह दे नाल, हाँ इश्क की लगे राह
ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਆ ਆਪਣੇ and you're actually a very good performer as well because sirf singing matter nahi karti salman performance pe matter karti hai aur hum dekh rahe the ki jis tarah se wo usme involve hokar ga rahe the to ye cheeze bahut achhi hoti hai aur hum singing ke liye to jab tak aap involve na ho aap acha ga nahi sakte acha perform nahi kar sakte aapke face expressions aapki involvement bahut matter karti hai involvement matter karti hai aur wo aapke usse nazar aa raha tha jitni aap jaan maar rahe hain allah aapko mazid kamyabiyan de isi dua ke sath hamari khwahish hai aap bahut talented hain अच्छा अच्छा परफॉर्म करते रहिए म्यूजिक प्रोड्यूस करते रहिए अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करें थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग तो ये थे हमारे आज के गॉट टैलेंट के मेहमान आपने भी इंजॉय की होगी इनकी परफॉर्मेंस हमारी तरह अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट टुडेज चैलेंज की जाने जनाब टुडेज चैलेंज आज बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज हम लोग लेने जा रहे हैं और आपको भी देने जा रहे हैं क्योंकि हम सब के घरों में हाउस हेल्प्स मौजूद होती हैं और इन हाउस हेल्प्स का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और होनी चाहिए सलमान यूजुअली हम देखते हैं कि हम अपने हाउस हेल्प्स के साथ एक ऐसा रवैया रखते हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं होता वी शुड बी वेरी काइंड टुवर्ड्स देम क्योंकि जाहिर है वो हमें मदद कर रहे हैं हमारे घरों के कामों में हमें हेल्प कर रहे हैं हमें उनकी नीड्स का ख्याल रखना है आपने बिल्कुल सही बात की और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जब एक घर में आप रह रहे हैं और एक शख्स अगर घर में आपको सर्व कर रहा है हाँ जी तो भी आपके घर के बाशिंदे की तरह आपके घर का हमें उसका ख्याल रखना चाहिए उनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए उनकी न्यूट्रिशन का उनके कपड़ों का खाने पीने का एग्जैक्टली यही हमारा मज़हब भी इसी चीज़ की तलकीन हमें करता है और आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हाउस हेल्प्स yes. हमें कहना भी यही चाहिए पहले ज़माने में हमारे ट्रेडिशन हमारे यस पहले ज़माने में हमारी जो ट्रेडिशंस थी वो यही होती थी कि जो घर में काम करने वाले होते थे और मैंने देखा कि ट्रेडिशनली बड़े अरसे तक उनकी मतलब जनरेशन साथ काम कर रही होती थी और उन लोगों को उसी तरह बड़ों की तरह इज्जत दी जाती थी तो ये चीज़ें ये ट्रेडिशंस हमें वापस लेके आनी है वो जो मैंने हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि हमारी बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे की अच्छी हैं हमारा फैमिली फैब्रिक हमारा बड़ों का एहतराम और छोटों से शफकत हमें इन चीज़ों को का ख्याल रखना है और अपने हाउस हेल्प्स का भी ख्याल रखना है अपने इर्द गिर्द तमाम तर लोगों का ख्याल रखना है ये था हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये चैलेंज भी पसंद आया होगा जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपने भी इसको एक्सेप्ट करना है बिल्कुल आपने साथ ही साथ हाँ। आपने हमें अपना फीडबैक बिल्कुल अपने सजेशंस अपना फीडबैक आपने हमें जरूर देना है हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा है साथ ही साथ हमारे जो इंस्टाग्राम हमारे फेसबुक और हमारा ट्विटर अकाउंट है उसके हवाले से भी आपको पता है द मॉर्निंग शो HD के नाम से हमारे तमाम जगह पे अकाउंट्स मौजूद हैं और इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे एक्चुअली मॉर्निंग शो HD के नाम से तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं मैसेजेस कर सकते हैं और जो अच्छी बात हम आपके साथ आपको करते हैं जो चैलेंज देते हैं उसको जरूर एक्सेप्ट करें मुझे और सलमान को दीजिए इजाजत अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़